गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो भाई सब लोग? मैं विनय यादव, टीम सीएलसी सीकर, आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा आज JEE का DCM का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको डिस्कस करूंगा। जिसके टॉपिक्स हैं अपने पास थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, गैसेस स्टेट, और ऑर्गेनिक में कार्बोनाइल कंपाउंड, एसिड डेरिवेटिव एंड कंटेनिंग पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक सेक्शन तो हमारे साथी विकास सर करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का जो सेशन है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। फ्रीजिंग ऑफ एनी लिक्विड टू अ सॉलिड इज एक्सपेक्टेड टू हैव। तो भाई आपको बोला जा रहा है कि कोई भी द्रव है उसके ठोस में जमने में यह अपेक्षित किया जा सकता है। क्या अपेक्षित किया जा सकता है भाई? आपको देखो ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, मतलब एक एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं और एक एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं। तो जहां तक अपन लोग जानते हैं कि लिक्विड से जब अपन लोग सॉलिड में जाते हैं तो क्या होता है भाई, एंट्रोपी घटती है, और अगर एंट्रोपी घटती है तो डेल्टा एस क्या होता है भाई, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और साथ में हम ये भी जानते हैं कि नेट हीट कंटेंट क्या होगा, लिक्विड का ज्यादा होगा और सॉलिड का कम होगा। ठीक है, अच्छा, सॉलिड को जब हम लोग हीट देते हैं तब जाके वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होता है। तो जहां तक अपन लोग बात करें तो इसका जो हीट कंटेंट है वो ज्यादा है, इसका हीट कंटेंट कम है। तो जो इनिशियल स्टेज है वो ज्यादा है, नेट हीट कंटेंट पे है, और जो फाइनल स्टेज है उसकी हीट कंटेंट कम है। तो जब आप जो है इनिशियल से फाइनल जा रहे हो तो एंथैल्पी भी ड्रॉप हो रही है, तो एंथैल्पी ड्रॉप हो रही है तो डेल्टा एच क्या आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। ओके बच्चों, ओके, सो आंसर अपना क्या होना चाहिए? तो अपन लोगों को ये क्लियर कट दिख रहा है कि फोर्थ आंसर इसका जाना चाहिए। बहुत डिस्क्रिप्टिव जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये एक अच्छा क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से। तो इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस आपको सीवी दे रखा है, बिगनिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 केल्विन इज पुट थ्रू द फॉलोइंग साइकिल। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस, मतलब एक चक्रीय प्रक्रम में आप इसको प्रोसेस करा रहे हो गैसीय सिस्टम को। आपको जो है ए से बी गए, बी से सी और सी से ए, उसके आपको स्टेप्स लिखे गए हैं कि स्टेप 1 जो है ए से बी जाने का, उसमें आपने गैस को हीट करा इनिशियल प्रेशर से डबल प्रेशर तक और कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, मतलब ये फर्स्ट प्रोसेस आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, एडायबेटिक जो स्टेप 2 है वो एडायबेटिक एक्सपेंशन है, जो कि मतलब आप बी से सी जा रहे हो तो ये एडायबेटिक है इनिशियल टेम्परेचर तक, मतलब ऑब्वियस है ए से बी जब गए होगे तो टेम्परेचर को बदला होगा, और बी और सी पे, बी से जब सी आ रहे हो तो सी पे वापस से टेम्परेचर अपन लोगों ने उतना ही कर दिया। ठीक है, एडायबेटिकली। फिर स्टेप 3 जो बोला जा रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब सी आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन बैक टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप जो है जो भी आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वापस आप उसको ला रहे हो, तो कहने का ये मतलब हुआ बेटा, ठीक है, कि सी से ए तक टेम्परेचर सेम है, मतलब जो सी पे टेम्परेचर है वही आपका ए पे है। तो चलो आगे जो है पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी सी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वी सी आपको पता करना है। क्वेश्चन में एक जो है ब्रैकेट में जो बात लिखी है इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, इसमें दे रखा है आपको कि ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। एक बार मैं ग्राफ इसका ड्रॉ कर देता हूं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को अपन लोग प्लॉट कर लेते हैं। पी से वी, और यहां पे आप कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, ए बी और ये आपका सी। ठीक है, आप जो है बी से सी जा रहे हो तो एडायबेटिक प्रोसेस से जा रहे हो, सी से ए आ रहे हो तो आपका आइसोथर्मल है। ठीक है, और
ए से बी जा रहे हो तो ये आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक, ठीक है ना। अच्छा अब जो है ए से बी गए आप तो ए पे प्रेशर कितना है भाई, 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर। तो भाई अपन लोगों ने लिख दिया इसका प्रेशर कितना है यहाँ पे 1 एटमोस्फियर पी ए, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ऐसा आपको दिया जा रहा है। आप जो है इसको बी पे जब ले जा रहे हो तो आप आइसोकोरिक हीटिंग कर रहे हो, तो अपन लोगों को पता ही है प्रोसेस आइसोकोरिक हीटिंग की है। तो आपने अगर प्रेशर को डबल करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई क्या होगा, ए से बी जब प्रेशर डबल होगा तो ऑब्वियस आपने टेम्परेचर भी डबल करा होगा। तो मतलब यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे 600 केल्विन क्या है टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा फिर आपको एडायबेटिकली आप आ रहे हो यहाँ पे सी पे, आपको टेम्परेचर तो पता है, ठीक है, कितना है 300 केल्विन, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सी पे जो प्रेशर है, सी पे जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर है ना, और सी से आप आइसोथर्मली आ रहे हो, आपको यहाँ पे प्रेशर नहीं पता है और वॉल्यूम पता नहीं है, ठीक है। अच्छा और अपन को वॉल्यूम ही निकालना है बेटा, ठीक है। आप देखो बेटा अगर अपन लोग बी से सी को कनेक्ट करें है ना, तो बी से सी पे आपको अगर यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाए तो अपन का काम हो जाएगा, क्योंकि ए पे वॉल्यूम मिल जाएगा वही वॉल्यूम बी पे होगा, और बी से सी का अपन लोगों को कनेक्टिविटी जो है एडायबेटिकली करनी है। तो ए पे वॉल्यूम कितना होगा, तो अपन लोग वॉल्यूम ऑफ गैस एट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी बाई पी करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितने दे रखे हैं, आपको 1 मोल दे रखा है, आर की वैल्यू जो है आपको ठीक है पुट करनी होगी, और यहाँ पे टी आपको कितना दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है। तो आप एक काम करो, 1 मोल 300 केल्विन इंटू आर अपॉन प्रेशर कितना है, प्रेशर आपका है 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर, ठीक है। सो ए पे वॉल्यूम कितना आ गया 300 आर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फिल कर देते हैं इसको कि भाई यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है ए पे 300 आर, ठीक है। अच्छा तो 300 आर ही आपका वॉल्यूम बी पे रहा होगा, ठीक है। अब देखो बेटा बी से सी आप जा रहे हो तो बी से सी आप क्या कर रहे हो, एडायबेटिकली एक्सपेंशन कर रहे हो, तो एडायबेटिक एक्सपेंशन जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अपन लोग रिवर्सिबल प्रोसेस है, बी से सी आपको रिवर्सिबल प्रोसेस दे रखा है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई टी बी इंटू वी बी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी सी बी सी टू द पावर गामा माइनस वन, यस और नो, ठीक है। आप ये फॉर्मूला तब यूज नहीं कर सकते हैं जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है, इसीलिए उस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली रिवर्सिबल वर्ड मेंशन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे यहां पे, तो टेम्परेचर बी पे कितना है भाई, टेम्परेचर बी पे देख लेते हैं भाई, टेम्परेचर बी पे है आपका 600, ठीक है। वॉल्यूम कितना है बी पे 300 आर, अभी आर के टर्म्स में रख देते हैं, टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, टीसी कितना है भाई, टीसी आपको जो है 300 केल्विन ले जा रहे हो, ठीक है, इंटू वीसी गामा माइनस वन, ठीक है, 300 से ये कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या आया बेटा 2, ठीक है, और ये कितना आ रहा है 300 आर टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू वीसी टू द पावर गामा माइनस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है बस, क्योंकि BC अपन लोगों को गामा पता ही है बेटा, ठीक है, तो अपन लोग बस इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार, इसको जो है मैं इरेज कर दूं इस ग्राफ को, ओके। ठीक है ना, आप देखो इसमें क्या दे रखा है, आप VC लिखोगे तो VC क्या आएगा, इसका VC आएगा 300 R, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वॉट 2 to the power 1 by gamma minus 1, ठीक है। अच्छा जी अब जो है आपको CVM दे रखा है, क्या दे रखा है CVM, तो CVM क्या है,
CVM होता है आपका R बाई गामा माइनस वन, ठीक है। तो CVM कितना दे रखा है आपको, CVM दे रखा है 5 बाई टू आर, तो अपन ने इसको क्या लिखा, 5 बाई टू आर, 5 बाई टू आर इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन, आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई गामा माइनस वन इज इक्वल टू 5 बाई टू, ठीक है, समझ लो बात को, इसको पुट कर दो जरा यहाँ पे, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या आया, 308 इंटू वॉट, 2 की पावर 5 बाई टू, ठीक है ना, 2 की पावर 5 बाई टू क्या होगा भाई, मतलब ये आ जाएगा 300 R इंटू 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1 बाई टू, ये सुनो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कितना हो गया बेटा, 1200 रूट टू आर, ठीक है। अब अपन को ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये आपका VC आ गया, 1200 मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे आप, यहां पे देखो, यहां पे आप करोगे इसको 1200 इंटू 1.414, है ना, इंटू कितना आएगा, R की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.0821, आपको ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो क्या है, लीटर में दे रखा है, तो अपन लोगों ने इसकी वैल्यू पुट करी, ओके। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो अराउंड 139 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, तो 139 लीटर्स का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सो आंसर विल बी व्हाट, थर्ड ऑप्शन, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये 139 आता है, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव द लार्जेस्ट एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा किसमें होगी, आपको H2O गैस से गैस जा रहे हो मतलब कुछ टेम्परेचर वगैरह चेंज करा होगा, यहाँ पे सॉलिड H2O से H2O गैस जा रहे हो तो ऑब्वियस एंट्रोपी में काफी बदलाव आया होगा क्योंकि फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक है। यहाँ पे देखो H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है लिक्विड फेज से गैसियस फेज में और डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और लिक्विड फेज से आप गैसियस फेज में भी जा रहे हो, तो यहाँ पे दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड टू गैस जा रहा है, तो अपन लोग बोलेंगे कि एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा इसी में होना चाहिए बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे हैं और साथ में आप लिक्विड से गैसेस फेस में भी जा रहे हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ना ये ज्यादा बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, तो इसलिए आंसर क्या होगा, थर्ड, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके, आपको दिया जा रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में 10 लीटर ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सडनली रिलीज्ड टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द गैस एक्सपेंड्स एडायबेटिकली, मतलब जो है यहाँ पे गैस जो है एडायबेटिकली एक्सपेंड हो रही है अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ये गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, फाइनल टेम्परेचर पूछा है एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस रिस्पेक्टिवली, तो भाई फाइनल वॉल्यूम क्या होगा और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पे एक बात तो तय है कि एडायबेटिकली एक्सपेंड तो हो रही है लेकिन अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो रही है, मतलब प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, समझो बात को, ये 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो रही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जा रही है, इसका मतलब ये जो गैस का एक्सपेंशन किया जा रहा है वो इरिवर्सिबल मैनर में किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो गैस का जब इरिवर्सिबल मैनर में अपन लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, तो अपन लोग एक चीज कर लेते हैं, पहले Q इज इक्वल टू तो जीरो है, डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे वर्क डन के बराबर होगा और वर्क इन्वॉल्व जो होगा, यहां से डेल्टा U को अपन लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एन सी वी एम डेल्टा T, डेल्टा T मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये आपका क्या होगा, ये आपका आएगा जो है रिलेशन, यहां पे T2 माइनस T1 लिख सकते हैं अपन लोग, तो यहां पे आप क्या करोगे, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V2 NR T2 बाई, ठीक है, P2 माइनस NR T1 बाई P1 कर देंगे, ठीक है,
समझ में आ गई बात? सो एनआर टी वन बाई पी वन, इससे एक रिलेशन निकल के आता है, आप इसको ऑब्वियस सॉल्व कर लोगे, तो टी टू जो टेम्परेचर फाइनल है वो टेम्परेचर अपन को देखना है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा जी, तो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख दे रहा हूं, जो रिलेशन था वो आ रहा है कि टी फाइनल जो होगा, टी फाइनल विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आएगा बेटा सीवीएम प्लस पी एक्सटर्नल बाय पी वन इंटू आर अपॉन सीवीएम प्लस पी एक्सटर्नल बाय पी टू इंटू आर, ठीक है, इंटू टेम्परेचर टी वन, टी इनिशियल, ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब अपन लोगों को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि आपको डेटा सारा दे ही रखा है। देखो, आपने जो है गैस का 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सपेंशन चालू करा है, ठीक है, सीवीएम की वैल्यू आपको मोनोएटमिक गैस दे रखी है बेटा, तो सीवीएम क्या होगा, एफ बाई टू आर, तो मतलब 3/2R कर दिया अपन ने, 3/2R सीवीएम होगा, प्लस पी एक्सटर्नल आपका कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट, वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, कहां से, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, तो आपका इनिशियल प्रेशर जो था वो 10 एटमॉस्फेयर और फाइनल प्रेशर जो पी एक्सटर्नल के बराबर हो गया वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज आर अपॉन व्हाट, 3/2R प्लस पी एक्सटर्नल बाय पी टू, क्या है, पी एक्सटर्नल बाय पी टू आपका है 1 एटमॉस्फेरिक अपॉन पी टू, कितना बेटा 1 एटमॉस्फेरिक इनटू आर, ठीक है, और टी फाइनल कितना आ रहा है, दिस इज 273.15, ठीक है, ये टी इनिशियल है क्योंकि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ओके, सो आपको ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनिशियल था। तो अब देखो यहां पे इसको थ्री बाई टू आर, यहां से आया 3/2R और ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 0.1R, मतलब ये आपका हो गया 1.5R प्लस 0.1R और नीचे से क्या आ रहा है 1.5R, ठीक है, प्लस 1R, है ना, इनटू व्हाट 273, है ना। अच्छा जी, यहां से जो है आपका ये आ रहा है आपका 1.6 और यहां से आ रहा है आपका 2.5, आर तो कैंसिल आउट हो गया, इनटू 273, ठीक है, इसको अपन लोग देखें तो इसको 25 लिख सकते हो आप और इसको लिख सकते हो 16, है ना, तो अपन ने ये लिखा। अब 25 से लगभग ये कितने बार जाएगा बेटा, 11 बार, ठीक है, अगर ये 11 बार जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 176 केल्विन के आसपास आना चाहिए T2, है ना, तो राउंड ऑफ करके अपन लोग देखें तो टेम्परेचर जो है आपका फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है, 174.9, मतलब 175, ये सबसे नजदीक यही आंसर है, तो फर्स्ट आंसर ही करेक्ट होना चाहिए। लेकिन आपको वी फाइनल भी पूछा बेटा, तो वी फाइनल कैसे निकालेंगे अपन लोग, टेम्परेचर फाइनल तो आ ही चुका है ना। अब देखो, जब फाइनल टेम्परेचर आ गया है तो यहाँ पे क्या होगा, अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग करने वाले हैं पी वन वी वन बाय टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू, ये तो गैसियस लॉस तो वैलिड ही रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन की यही खास बात है कि आपका जो है गैसियस स्टेट ऑलमोस्ट उसमें कवर होता चलता है साथ में, ठीक है, तो एक जंबल्ड प्रॉब्लम बन जाती है बेटा, ठीक है, तो अपन लोगों को वी टू निकालना है यहाँ पे, है ना, वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा पी वन अपॉन पी टू, है ना, और साथ में आएगा टी टू अपॉन टी वन इंटू वी वन, ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है अपन को सारी, T1 कितना था 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, T2 कितना हो गया 1, T2 कितना था आपका, ये हो गया 174.5 कुछ दे रखा है आपको, तो 174.9 अपॉन ये 273 आ गया, और ये आपका V1 कितना होगा, V1 आपको 10 लीटर दे रखा है, तो 10 लीटर दे रखा है, आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये लगभग 64 के ही आसपास आंसर आता है, तो आप इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है, सो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे
100/1.5 कुछ आता है, ठीक है, तो रफली इसको इसको 1.5 टाइम्स कट कर देना, तो ये करीब करीब 64-65 के ही आसपास आता है। तो आंसर इसका क्या हो गया, फर्स्ट। तो ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया आपका। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, विच ऑफ सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन फॉर द स्टेबिलिटी, और अपन लोगों को जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। ये क्वेश्चन में आप लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा बेटा, वही अप्लाई होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में अपन लोगों को पता है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ठीक है, तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी डाउन द ग्रुप चलने पे क्या होती है, उसकी जो है एनएस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पुअर शील्डिंग की वजह से NS2 NPX, ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंसी सेल के, वो इनर्टनेस शो करने लगते हैं बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय डी सबसेल और एफ सबसेल, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप ज्यादा स्टेबल होने लगती है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन फैमिली में, तो कार्बन फैमिली में कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड, तो वैसे तो अपन लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो अपन लोग जानते हैं कि जो लेड होता है बेटा, लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेड +4 से ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। इसीलिए Pb+4 के जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माने जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से अपन लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, ठीक है, +4, और यहाँ पे +4 +2 के कंपाउंड जो है बनाने लगते हैं ये, ठीक है, और लेड यूजुअली +2 ही बनाता है, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन दो NS के दो इलेक्ट्रॉन की वजह से इनर्ट जो है ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ये NS के दो इलेक्ट्रॉन इनर्टनेस शो कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग वगैरह में। तो अपन लोगों को यही पूछा जा रहा है। अब देखो, अपन लोग गैलियम इंडियम की बात करें तो ऑब्वियस है बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, है ना, तो ऑब्वियस है बोरॉन फैमिली के मेंबर्स जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, ठीक है। लेकिन इंडियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी गैलियम से, तो ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है, अपन को इनकरेक्ट बताने बेटा। ऐसे ही SN+2 और SN+4 का भी ये करेक्ट है, ठीक है, SN+4 ज्यादा स्टेबल है SN+2 से, ठीक है। जर्मेनियम +2 Ge+2 और SN+2 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जर्मेनियम कार्बन फैमिली का ही मेंबर है, तो ऑब्वियस SN का +2 फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे क्या है, आर्सेनिक की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, है ना, और बिस्मथ, तो बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बेटा, एंटीमनी +5 और जो है एंटीमनी का +5 से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा, +3, ठीक है, आर्सेनिक के +5 से, क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा प्रीफर करेगा। तो यही आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो पांचवें का आंसर 4 आ गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ओके, नाउ ये क्वेश्चन जो है आपको, ये जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा गया है, तो अपन लोगों ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पॉलिंग स्केल मोल्केन स्केल ये सब पढ़ा था, तो वहां पे एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा होगा, तो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की तो अपन क्या करते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपका, आयनाइजेशन एनर्जी है 17.418 प्लस, और ये कितना है, -9.278 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कितना आएगा बेटा, इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो ये 8 से 8 गया 0, 11 में 7 गया 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 में से 3 गया 1, है ना, और यहाँ पे आ रहा है 9, 8, 17, ठीक है, 8.14 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आएगा आपका 4.07, सो आंसर क्या आ गया आपका, 4.07, सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको
गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, अपन को याद ही होगा, तो गैडोलिनियम इस पर समय नहीं खराब करते हैं। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा आपका, ठीक है। नाउ चलो, तो पैराग्राफ बेस्ड अपन लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस गोज थ्रू द फॉलोइंग रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से इस शब्द को पकड़ के चलना, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। स्टेप वन जो है आपका आइसोकोरिक कूलिंग टू 1/3 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, ओके भाई। सेकेंड स्टेप में एडायबेटिक चेंज जा रहा है इनिशियल प्रेशर तक, और यहाँ पे आइसोबेरिक चेंज जा रहा है बैक टू इनिशियल स्टेज, है ना। अब एक मोल कोई आदर्श गैस है, उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं से जा रहा है, आप पहले स्टेप में जो है उसको समायतनिक शीतलन कर रहे हो प्रारंभिक तापमान से 1/3, दूसरे स्टेप में आप क्या कर रहे हो, रुद्धोष्म परिवर्तन कर रहे हो एडायबेटिक, मतलब Q0 है यहाँ पे प्रारंभिक दाब तक, और फिर थर्ड स्टेप में आप समदाबी परिवर्तन से पुनः प्रारंभिक चरण पर, ठीक है। अच्छा जी, तो चलो एक बार इसको लिख लेते हैं प्रॉपरली, और पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन थर्ड स्टेप। मान के चलो अपन लोग बेटा इसको ले लेते हैं कि भाई आप जो है ए स्टेज पे खड़े हो, ए से आप बी जा रहे हो, ठीक है, और बी से आप सी जा रहे हो, और सी से वापस आप ए आ रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको जो है ए से बी जब जा रहे हो तो पहला स्टेप सम आयतनिक, मतलब जो है आइसोपोरिक कूलिंग है, यहाँ पे क्या होगा, आइसोपोरिक वर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई आपका डीबी क्या है, जीरो, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और कूलिंग कर रहे हो आप तो टेम्परेचर डाउन कर रहे हो। यहाँ पे जो है आपको प्रारंभिक स्थिति क्या दे रखी है, 600 केल्विन और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और एक मोल गैस का दे रखा है, ओके भाई। तो 600 केल्विन, 600 केल्विन, ठीक है भाई, टेम्परेचर हो गया, और प्रेशर कितना दे रखा है बच्चों, प्रेशर दे रखा है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको जब कूलिंग करी जा रही है तो 1/3 तक कूलिंग करी जा रही है, तो 1/3 तक कूलिंग हो गई, मतलब यहां पे 200 केल्विन रहा होगा बी पे टेम्परेचर। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, अमाउंट कांस्टेंट है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे गैस लॉज एप्लीकेबल होंगे कि भाई अगर आपने टेम्परेचर को डाउन करा तो प्रेशर भी गैलोसिक लॉ के हिसाब से अपन लोग बोलेंगे कि 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगला स्टेप वो क्या बोल रहे हैं अपन को, ठीक है, सी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि बी से सी अपन लोग जा रहे हैं सेकेंड स्टेप में, प्रारंभिक दाब तक रुद्धोष्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो मतलब जो इनिशियल प्रेशर था, ठीक है, उस तक अपन लोग रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एडायबेटिकली ले जा रहे हैं, तो ये जो सी पे प्रेशर है वो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, और यहाँ पे अपन लोगों को टेम्परेचर नहीं पता है, टेम्परेचर जो है नहीं पता है, ठीक है, कि टीसी क्या है। अच्छा, लेकिन ए पे तो परिस्थितियां फिर से वैसे ही हो रही हैं, सी से आप ए पे वापस ले जा रहे हो उसको थर्ड स्टेप में, ठीक है। समदाबी परिवर्तन मतलब यहाँ पे आपका डीपी क्या है, जीरो, मतलब आप प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे क्यू जीरो है, एडायबेटिक प्रोसेस है ये, ठीक है, ये एडायबेटिक है और ये आइसोपोरिक है और ये आपका आइसोबेरिक है, ठीक है, ये आपका सम आयतनिक हो गया आइसोपोरिक, और ये एडायबेटिक और ये आपका आइसोबेरिक। अगर हम बात करें बेटा इसमें कि भाई ये आपका 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, होना भी चाहिए, सी और ए पे आइसोबेरिक प्रोसेस है तो प्रेशर तो चेंज नहीं होगा। अब अपन से सवाल जो पूछा जा रहा है वो क्या है, ये सुनो, सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल अपन से पूछा जा रहा है कि थर्ड स्टेप में वर्क कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो वर्क निकालने के लिए अपन लोग आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए जब अपन लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो अपन लोग बोलेंगे कि डब्ल्यू जो है सी टू ए रहेगा, डब्ल्यू सी टू ए क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ पी डॉट वी डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी कितना है, वी फाइनल मतलब वी ए माइनस वी सी, क्लियर। अब अपन लोगों को ए पे वॉल्यूम नहीं पता है और सी पे भी वॉल्यूम नहीं पता है, तो अपन का जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम निकालते हैं बेटा, ठीक है, पहले ए और सी पे। तो जरा देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, आपको गैस कितनी दे रखी है, एक मोल, है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आ एन आर टी बाई पी, है ना। अच्छा, आपको जो टेम्परेचर दे रखा है वो है 600 केल्विन,
ठीक है, और आपको 600 आर हो गया ये, और ये आपका प्रेशर कितना दे रखा है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 200 आर जो है वॉल्यूम है आपका, 200 आर जो है ना वो क्या है, वॉल्यूम है यहां पे 200 आर, ठीक है ना। बी पे कितना होगा भाई, ये तो 200 आर यहां पे हो गया ए पे, है ना। बी पे आइसोकोरिकली जा रहे हो तो आप 200 आर बी पे भी वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा जी, ए पे वापस 200 आर हो गया तो इसको 200 आर कर देते हैं। अपन का जो नेक्स्ट टारगेट क्या है बेटा, यहां पे अपन लोगों को वीसी निकालना है, क्योंकि वीसी से ही अपना आगे का काम हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलो वीसी निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। वीसी कैसे आएगा, अब अपन लोगों को ऐसा लिख रखा है कि जो सारे स्टेप्स हैं वो रिवर्सिबल है, मतलब जो है उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो यहाँ पे अपन लोग बी से सी जब एडायबिटिक प्रोसेस मूव कराएंगे तो अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कि पीबी वीबी टू द पावर गामा इज इक्वल टू पीसी बीसी टू द पावर गामा, ये सुनो, ठीक है। टारगेट अपना बीसी निकालने का है, ओके। आपको जो है पीबी कितना दे रखा है, पीबी आपको दे रखा है 1, वीबी आपको कितना दे रखा है 200 आर, 200 आर टू द पावर गामा। पीसी कितना दे रखा है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वीसी आपको निकालना है, ठीक है, वीसी आपको निकालना है। तो यहां पे क्या होगा, ये कितना आएगा, वीसी कितना होगा बेटा, वीसी होगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं जरा, वीसी आएगा आपका 200 आर 1/3 टू द पावर, इसको नीचे भेज दो, 1/3 टू द पावर कितना आएगा 1/γ, है ना, इनटू व्हाट 200 आर, ठीक है। गामा की वैल्यू यहां पे क्या है, देखो गामा की वैल्यू क्या है, गामा इज इक्वल टू व्हाट, आपको कैसी गैस दे रखी है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। अच्छा जी, एक परमाणुविक है, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस थ्रू द फॉलोइंग, अच्छा तो यहां पे आइडियल गैस बेटा मोनोएटमिक लिख रखा है इन्होंने, मोनोएटमिक है, तो मोनोएटमिक के लिए गामा कितना होता है, गामा होगा आपका मोनोएटमिक के लिए, अपन लोगों को पता है 1+2/3, है ना, 1+2/f होता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका कितना, यहां पे अपन लोग कर देते हैं 3 की पावर जो है आपका आएगा 5/3 होता है गामा, तो यहां पे आएगा 1/3 की पावर 3/5, ठीक है, अच्छा इंटू 200 आर। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 टू द पावर 3/5 आप जब कैलकुलेट करोगे बेटा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है ना, ये आती है 1.93 के अराउंड, है ना। अच्छा तो अपन लोग इसको 200 आर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1.93 से, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है निकल के कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी बेटा, इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ये आ रहा है आपका 103.45 आर, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है कि 103.45 आर ये आपका कैलकुलेट होके आ रहा है, तो 104. ठीक है, तो इसको वॉल्यूम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 103.45 आर, ठीक है ना। चलो अब अपन की जो कैलकुलेशन है, आधा युद्ध जीत लिया अपन ने, आधी लड़ाई लड़ ली बेटा, ठीक है, क्योंकि यही मेन काम था इस पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। देखो वर्क निकालना है बेटा, ठीक है, तो वर्क क्या करेंगे अपन लोग, वर्क जो है W वो आएगा W फ्रॉम C टू A, आइसोबेरिक प्रोसेस है, आपको जो प्रेशर दे रखा है वो -3 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इनटू V फाइनल -V इनिशियल, मतलब V जो है आपका
ए है 200 आर माइनस 103.45 आर, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां से अपन लोग क्या करेंगे बेटा, माइनस 3 एटीएम 200 और ये कितना आएगा 103.45, ये अप्रोक्स आएगा आपका, ये 5 5 हो गया, यहाँ पे आपका जो है 6 हो गया, 96.55 आर, है ना। अच्छा इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे जो है आपका आंसर क्या आ रहा है, तो इसमें जो है आर की वैल्यू भी अपन लोग डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आंसर लीटर एटमॉस्फेयर में दे रखा है, तो अपन लोग एक काम करते हैं आर की वैल्यू भी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू 0.0821 लिखो, तो आर की वैल्यू जो 0.0821 लिखेंगे तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो करीब 23.78 एटमॉस्फेयर लीटर आ रहा है, ठीक है, वो भी माइनस साइन के साथ। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कोई ऑप्शन है बेटा, यस दो ऑप्शन है 23.8 के, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है आप जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोबेरिक जो है एक्सपेंशन हो रहा है ना। अच्छा जी, अब जो है बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो है 15 जो है आपको इस साइक्लिक प्रोसेस में व्हाट इज द नेट अप्रोक्सीमेट वर्क डन इन द अबव साइक्लिक प्रोसेस, तो वर्क डन नेट क्या होगा बेटा, आप देखो नेट वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी प्लस डब्ल्यू फ्रॉम बी टू सी प्लस डब्ल्यू फ्रॉम सी टू ए, है ना। अच्छा जी, तो डब्ल्यू फ्रॉम सी टू ए अपन लोग अभी अभी निकाला है चौथे 14 क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा सी टू ए, डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। डब्ल्यू फ्रॉम बी टू सी क्या होगा, डब्ल्यू फ्रॉम बी टू सी आप देखो और डब्ल्यू फ्रॉम सी टू ए देखो, ठीक है, तो डब्ल्यू फ्रॉम सी टू ए और डब्ल्यू फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, ये आपको देखना है। ए टू बी आपका जीरो हो रहा है, डब्ल्यू फ्रॉम बी टू सी आपको कैलकुलेट करना है, बाकी तो आप सी टू ए कैलकुलेट कर चुके हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पैराग्राफ से है, पीरियोडिक टेबल का पैराग्राफ है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है सपोज अ मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन इज इरेडिएटेड विद फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एप्रोप्रिएट टू आयनाइज क्लोरीन, तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एटॉमिक फॉर्म में जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन गैसेस फॉर्म में रहेंगे, तो ये जो मिक्सचर के अंदर आप फोटॉन्स डाल रहे हो, ठीक है, जो क्लोरीन को आयनाइज करने के लिए पर्याप्त है, है ना, ऐसे ही बोला जा रहा है ना कि आयनाइन क्लोरीन की आयनाइन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा के फोटॉन्स द्वारा विकृत किया जा रहा है, ठीक है, मतलब फोटोनों द्वारा विकृत किया जा रहा है। तो अगर अपन लोग देखें यहाँ पे, तो जो फोटॉन्स क्लोरीन को आयनाइज कर पाएंगे, ठीक है, तो अपन लोगों को हैलोजन फैमिली में देखें तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बेटा, आयनीकरण ऊर्जा जो है डिक्रीज हो रही है, और आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि क्लोरीन की आयनन ऊर्जा से ब्रोमीन की आयनन ऊर्जा कम होगी, है ना। अच्छा, तो जो जिस एनर्जी से अपन लोग क्या कर रहे हैं Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, जिस एनर्जी के फोटोन से क्लोरीन को क्या कर सकते हैं आयनाइज कर सकते हैं, तो उसी एनर्जी के फोटोन से अपन लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ब्रोमीन या आयोडीन के एटम्स को भी आयनाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो कम ही है, क्लियर। सो अगर हम देखें लेकिन फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन के लिए ये पर्याप्त एनर्जी नहीं होगी आयनाइज करने के लिए, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे बी आर प्लस और यहाँ पे आई प्लस, ठीक है ना। नाउ बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, इफ द आयनाइजेशन वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर देन पीक्स आर ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, तो पीक्स कौन ऑक्यूपाई करेगा, आयनाइजेशन वैल्यूज को अगर अपन लोग देखें बेटा, तो सबसे हाईएस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी पीरियडिक टेबल में तो वो किसके लिए आएगी, नोबल गैस के एलिमेंट्स के लिए, तो आंसर आपका नोबल गैस ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे,
नाउ सेक्शन बी, मोर देन वन के क्वेश्चन अपन लुक करते हैं। यहाँ पे आपको जो है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो है जो दे रखा है गैसेस स्टेट से है। आपको बोला जा रहा है गैस डिस्क्राइब्ड बाय वैन डर वाल इक्वेशन, तो वैन डर वाल इक्वेशन अपन लोगों को क्लिक कर जाना चाहिए। पहले तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या बेटा, पी प्लस ए एन बाई ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, या हम लोग बोले हैं यहाँ पे ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं अपन लोग। वो कह रहे हैं बिहेव सिमिलर टू आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मॉलिकुलर वॉल्यूम्स। तो लार्ज मॉलिकुलर वॉल्यूम्स होगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे बेटा वी एम जो बहुत लार्ज होगा, ठीक है, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा जो प्रेशर होगा, ठीक है, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर रहेंगे। ठीक है, जब लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे किसी भी गिवन अमाउंट के लिए, वॉल्यूम अगर अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को तो वेरी लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो उस स्थिति में अपन को पता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी डोमिनेंस में नहीं आएंगे, वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे, तो इसलिए गैस का बिहेवियर क्या होगा, आइडियली होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अपन लोगों के पास जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बिहेव सिमिलर टू आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर। लार्ज प्रेशर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि लार्ज प्रेशर में वॉल्यूम बहुत कम रहेगा गैस का और गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो उस केस में जो है उनके मॉलिकुलर इंटरेक्शन एग्जिस्टेंस में आएंगे जिसकी वजह से गैस डेविएट होने ही होनी तय है। ठीक है, वैसे भी अपन को पता है, ठीक है, जब अपन लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस पी का जो ग्राफ बनाते हैं तो वेरी लो प्रेशर पे जो गैस का बिहेवियर है बेटा वो आइडियल गैस के जैसा होता है। ठीक है, और वेरी हाई प्रेशर पे क्या होता है, गैस पॉजिटिवली डेविएट होती है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से डिफाइन करते हैं। हालांकि यहाँ पे वैन डर वाल इक्वेशन से अपन लोगों को क्वेश्चंस को डिफाइन करना है, ठीक है, ऑप्शंस को। तो यहाँ पे बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर, ये गलत है। ठीक है, अच्छा, इज करेक्टराइज्ड बाय वैन डर वाल्स कोएफिशिएंट्स व्हाट दैट आर डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द गैस एंड बट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर अपन लोग देखें यहाँ पे बेटा कि ये जो स्टेटमेंट है ना इसमें वैन डर वाल कोएफिशिएंट जो ए और बी हैं, ए एंड बी, ये हर एक गैस के लिए, मतलब ये क्या है वैन डर वाल कांस्टेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस और ये आपका बी जो है मोलर वॉल्यूम या मॉलिकुलर साइज के लिए जो है वैन डर वाल कोएफिशिएंट है। तो अगर अपन लोग बात करें ये दोनों क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल गैस के लिए क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, है ना, और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक ये उनकी वैल्यू क्या रहती है, कॉन्स्टेंट ही रहती है। तो अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे कि थर्ड वाला जो है ना ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। अब वो कह रहे हैं फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली। तो अगर अपन लोग देखें यहाँ पे तो जहां तक वैन डर वाल इक्वेशन की बात है तो अपन लोग बोलते हैं कि भाई जो आइडियल गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है पी आइडियल, ठीक है, यहां पे क्या होता है वॉल के ऊपर कोलिजन वो करेगा, जो भी मॉलिक्यूल जाएगा तो ये कोलाइड करेगा फुल मोमेंटम के साथ जब आइडियल गैस की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो पीछे के मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, ओके, जबकि यहां पे जो रियल गैस होगी, ठीक है, वैन डर वाल इक्वेशन को जब हम लोग डिराइव करते हैं तो उस समय हम लोग ये बात करते हैं प्रेशर में जो करेक्शन आता है, ये जो मॉलिक्यूल जा रहा है वो वॉल के साथ जब टकराएगा तो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो है पी, ओके, और पी जो है बेटा यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगे होंगे, यहाँ पे जो मॉलिकुलर अट्रैक्शन है इसकी वजह से इसका जो मोमेंटम है वो रिड्यूस हो गया होगा, लेसर या रिड्यूस मोमेंटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पी आएगा वो क्या होगा, वो पी आइडियल की तुलना में क्या होगा, कम होगा, तो P will be lesser than P ideal, है ना। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है कि ideal pressure के comparison में ये pressure कम होगा, ठीक है, इसी वजह से अपन लोग ये वाला factor add करते हैं, है ना, तो इसीलिए अपन लोग बोलेंगे कि fourth statement भी क्या है, correct है ना। तो इसका answer क्या हो गया, 1, 3 and 4। बढ़ते हैं आगे next question की तरफ, चलो question number 2 देखते हैं बेटा। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है among the following the state function is or are, ठीक है, तो internal energy सबको पता है state function होता है, molar enthalpy भी एक state function होती है। अब सवाल ये है कि reversible और expansion कर रहे हैं हम लोग, reversibly या irreversibly, ठीक है, तो जब expansion की बात हो रही है तो one directional way में हो रही है,
ठीक है, इसीलिए अपन लोग जो है स्टेट फंक्शन इसको नहीं बोलेंगे। स्टेट फंक्शन कोई भी अगर जेड एक फंक्शन है, ठीक है, क्लियर, एक्स और वाई का, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसका साइक्लिक इंटीग्रल dz का अगर जीरो हो रहा है तो वो एक स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है। या अपन लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन डज नॉट मैटर, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके बाद जो भी आया उसका वाई के रिस्पेक्ट में करो, कीपिंग जो है आपका एक्स कॉन्स्टेंट। अगर ये डिफरेंशिएशन का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा हो तो भी अपन लोग बोलेंगे कि यहां पे ये क्या होगा बेटा, स्टेट फंक्शन होगा, यही आपकी ओरिजिनल डेफिनेशन है स्टेट फंक्शन की, क्लियर, ओके। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क की बात हो रही होती तो यहां पे अपन लोग बोल सकते थे कि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क होगा वो नेट जीरो होगा, ठीक है। सो अपन लोग बोलेंगे यहां पे कि आंसर इसका 1 and 4 होगा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है अपन को, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फिक्स मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट के बारे में बोला जा रहा है, प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस सेल्सियस टेम्परेचर इज लीनियर विद जीरो इंटरसेप्ट, ठीक है। तो चलो एक बार प्लॉट ही कर लेते ना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कैल्विन स्केल पे है तो कैल्विन स्केल पे क्या होगा बेटा, कुछ ओरिजिन से पास होता हुआ जीरो कैल्विन, ठीक है, यहां पे कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है, अपन ने देखा होगा। और अगर सेल्सियस स्केल पे लेते तो सेल्सियस स्केल पे क्या आता, कुछ इंटरसेप्ट यहां पे आता -273.15, ठीक है, टी डिग्री सेंटीग्रेड, तो पी, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आता, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस सेल्सियस स्केल इज लीनियर विद जीरो इंटरसेप्ट, तो जीरो इंटरसेप्ट तो नहीं होगा, तो ये नॉट करेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट ये आंसर होगा, ठीक है। प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस केल्विन टेम्परेचर इज लीनियर विद नॉन जीरो इंटरसेप्ट, तो ये भी नॉट करेक्ट है बेटा, ये भी आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो केल्विन स्केल पे तो अपन लोग देख रहे हैं नॉन जीरो इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। प्लॉट ऑफ पी बाई टी वर्सेस टी इज लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि P by T जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम जब आपको दे रखा है, ठीक है, तो P by T is equal to constant, तो P by T versus आप जो है T का ग्राफ अगर खींचोगे भी तो ये तो जो है प्रेशर उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो P बाई टी क्या रेशियो रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव स्लोप तो नहीं आ रही बेटा, जीरो स्लोप आ रही है लीनियर, तो ये आपका नॉट करेक्ट है, ये भी आंसर होगा। प्लॉट ऑफ P वर्सेस T इज लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप, ये करेक्ट है, प्लॉट ऑफ P वर्सेस T इज लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है, सही बात है, तो आंसर आपका 1, 2, 3 जाएगा, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोला जा रहा है कि दो सैंपल है सेम सब्सटेंसेस के, ए एंड बी आर एट 300 केल्विन एंड 500 केल्विन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो ए आपका 300 केल्विन पे है और बी आपका 500 केल्विन पे है। व्हेन ए एंड बी आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टेक्ट, ए और बी को थर्मल कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो यहां पे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो चलो यहां पे अपन लोग बात करते हैं बेटा डीएस का जो फॉर्मूला है ना, डीएस इज इक्वल टू व्हाट, डी क्यू रिवर्सिबल by T, ठीक है। अब अगर अपन लोग बात करें यहां पे कि ये जो साथ में कॉन्टेक्ट में रखे जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर राइज होगा और टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर दोनों ब्लॉक का क्या होगा, ब्लॉक है या जो भी सिस्टम है आपका, ठीक है, दोनों का फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T1 + T2/2, ठीक है, मतलब ये आएगा 400 केल्विन, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, यहां पे आप जब इसको डेल्टा एस निकालोगे तो डेल्टा एस इस ब्लॉक का टेम्परेचर तो बढ़ेगा और इस ब्लॉक का टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, तो डेल्टा एस फॉर ए, डेल्टा एस ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, और डेल्टा एस फॉर बी नेगेटिव होगा, तो कहने का ये मतलब है कि डेल्टा एस पॉजिटिव है ए का, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से तो ज्यादा ही होगी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया,
ठीक है। अब सवाल ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है बेटा 300 केल्विन और 500 केल्विन अपन लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड की जब बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अपन लोग जाएंगे तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में जरा देखो उसको, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी है ना। जिसका टेम्परेचर कम रहा होगा उसका एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा, यस और नो, ठीक है। और जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा क्योंकि हीट इन्वॉल्व, तो भाई ये आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये हीट दे रहा है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर नेगेटिव साइन हटा दिया जाए तो जो लोअर टेम्परेचर पे होगा उसकी एंट्रोपी चेंज ज्यादा आएगी और जो हायर टेम्परेचर पे होगा उसकी एंट्रोपी चेंज कम आएगी, ठीक है ना, यस और नो, ठीक है। आप चाहो तो इसको मैथमेटिकल ली भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आप डेल्टा एस क्या लिखोगे, डी एस को इंटीग्रेट करो, इसका हीट चेंज क्या आएगा बेटा, एम एस डी टी, ठीक है, बाई टी, ऐसे लिखोगे, है ना। अच्छा, और यहाँ पे टी वन से लेके आप टी टू जा रहे हो, ठीक है, टी वन आपका 300 केल्विन है और टी टू कितना है आपका 500 केल्विन, ठीक है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे सॉरी टी टू आपका 400 केल्विन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एम एस एल एन ऑफ, ठीक है, 400 एल एन टी टू बाई टी वन आएगा, तो 400 by 300 मतलब 4/3 आएगा। उसके लिए जरा आ जाओ, अगर नेगेटिव साइन को हटा दें तो डेल्टा एस उसके लिए क्या आएगा बेटा, एम एस एल एन, ठीक है। आप लिमिट उसकी टी वन कहाँ से लगाओगे, 500 से लेके 400 तक, तो अपन लोग बोलेंगे टी टू कितना है, ठीक है, टी टू आपका आ रहा है 4/5, ठीक है, 4/5। आप इसको 5/4 करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा वो, ठीक है, क्लियर। तो आप इसका देखोगे बेटा ln 4/3 क्या होगा, ln 4/3 होगा 1+1/3, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 1+1/4, ठीक है, 5/4 को जब आप लिखोगे तो ऑब्वियस है ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, यस और नो, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गई बात, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये आंसर अपन का डेल्टा एस ए का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, सो समझ में आ गया, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू डेल्टा ई, तो H2+Cl2, भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng कितना है अपने पास, डेल्टा Ng आपका अगर इक्वल होगा तो डेल्टा Ng आपका जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा Ng जीरो किस स्थिति में आ रहा है, इसके लिए जीरो है, ठीक है, इसके लिए नॉन जीरो है, इसके लिए भी नॉन जीरो है और इसके लिए भी नॉन जीरो है, यस और नो, ठीक है। तो जिसका नॉन जीरो रहेगा डेल्टा Ng, ठीक है, वो ऑप्शन होंगे बेटा, तो यहाँ पे आपका 2, 3 and 4, ठीक है, यहाँ पे CaO सॉलिड कर लेना, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे, ठीक है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, आई होप समझ में आ गया होगा, तो आंसर आपका 2, 3, 4 जाएगा। चलो छठवां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस CvM इज इक्वल टू 3/2R इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। आपको A दे रखा है, ठीक है, 500 केल्विन, ओके 5 bar, ठीक है, A से B जा रहे हो, B से C जा रहे हो, C से D जा रहे हो, B जो है आपका, ठीक है, वो क्या है, देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, मतलब आप ए से चले, ठीक है, बी पे, डी टी क्या बेटा जीरो, मतलब आइसोथर्मली मैं लिख रहा हूं उसको, ठीक है, तो ऑब्वियस है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आपने ए पे जो टेम्परेचर ले रखा है वही क्या होगा, बी पे भी होगा, ठीक है, बी से आप सी जा रहे हो और सी से आप डी जा रहे हो, ठीक है, आप जो बी से सी जा रहे हो वो कैसे जा रहे हो, आइसोपोरिक कूलिंग हो रही है यहाँ पे, डी बी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आपका एडायबेटिक सिंगल स्टेप स्टेज कंप्रेशन है, तो आप जो है एडायबेटिक में क्यू इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल मैनर में जा रहा है, सिंगल स्टेप जीरो, ठीक है। अब देखो जो डेटा है उसको मैं जरा एक बार लिख देता हूं, आप यहां पे खड़े हो तो 500 केल्विन का तो टेम्परेचर है, ठीक है, और प्रेशर कितना बेटा, प्रेशर है आपका 5 bar, ठीक है। अच्छा जी, बी पे जब आप आ रहे हो तो बी पे आपने आइसोथर्मली एक्सपेंशन करा है, ठीक है, ऐसे ही बोले ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, तो आप जो है 500 केल्विन पे ही रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर तो सेम रहा है,
बट 5 बार एज इट इज है। 5 बार क्या हुआ है उसके साथ अपन को आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप आइसोकोरिक कूलिंग कर रहे हो, क्यों भाई आइसोकोरिक कूलिंग कर रहे हो, टेम्परेचर आपने 250 केल्विन लिया है और यहाँ पे 250 केल्विन के साथ साथ 1 बार है, ठीक है, प्रेशर 1 बार, ठीक है। अब आप जो है आइसोकोरिकली अगर कूलिंग कर रहे हो, जो आपका टेम्परेचर आधा हुआ है तो ऑब्वियस है प्रेशर भी आधा हुआ होगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे जब खड़े हो गए तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा इस स्टेट पे, 2 bar। अब यहाँ पे आ जाओ सी से डी के बारे में बात करते हैं, तो सी से डी के बारे में जो है अपन को सोचना है, तो डी पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3 bar प्रेशर है, ठीक है, 3 bar प्रेशर है, लेकिन अपन लोगों को टेम्परेचर है डी नहीं पता है, ठीक है। अच्छा सी से डी जो आ रहे हो आप, वो सिंगल स्टेज कंप्रेशन हुआ है और वो भी ठीक है इरिवर्सिबल मैनर में हुआ, सिंगल स्टेज है तो ऑब्वियस इरिवर्सिबल ही होगा, ठीक है। तो अब अपन लोगों को सी से डी का जो ट्रीटमेंट है वो इरिवर्सिबल तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो बेटा ए से आप बी गए, पहले अपन लोगों को वॉल्यूम की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उसमें टी डी पता करना है, पी बी पता करना है, डेल्टा एच और डेल्टा ई, ठीक है। तो अपन लोगों को टेम्परेचर यहाँ पे पता है, तो जो पता है पहले उसके अकॉर्डिंग अपन लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। आपको टी डी सबसे पहले आपको डेल्टा एच सी डी निकालना है, तो डेल्टा एच फ्रॉम सी टू डी क्या होगा, डेल्टा एच फ्रॉम सी टू डी रहेगा आपका एन सी पी एम डेल्टा टी टी डी माइनस टी सी। आपको टी सी तो पता है बेटा 250 केल्विन, ठीक है, टी डी नहीं पता है और सी पी एम पता है आपको, ठीक है। सी पी एम कितना है, सी वी एम 3/2 R है, तो सी पी एम कितना होगा 5/2 R, और यहाँ पे 2 mole है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे 2 × 5/2 R, ठीक है। और यहाँ पे टी डी अपन लोगों को निकालना है, ठीक है, टी डी अपन को नहीं पता है और यहाँ पे टी सी कितना है 250 केल्विन, ठीक है। सारी कहानी यहाँ पे आके रुक रही है कि टी डी नहीं है, है ना। अब टी डी कितना आएगा ये देखो, अपन लोग क्या कर सकते हैं बेटा इरिवर्सिबल मैनर में जो है फाइनल टेम्परेचर जो होगा इरिवर्सिबल मैनर में, देखो टी डी जो होगा वो होगा बेटा सीवीएम, ठीक है, सीवीएम प्लस पी एक्सटर्नल या पी एक्सटर्नल अपॉन पी वन, पी वन का मतलब सी पी सी इंटू वॉट आर अपॉन सीवीएम। ये फॉर्मूला अभी अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को, पी डी इंटू आर इंटू टी टी सी, है ना, टी इनिशियल जो है टी सी है। आप देखो बेटा यहाँ पे ये कितना दे रखा है 3/2 R CVM दे रखा है प्लस, है ना, P external upon PC क्या होगा, P external आपके पास कितना है, external pressure है आपके पास, ठीक है 3 bar, ठीक है obvious है, और PC आपका 1 bar है, तो यहाँ पे 3 आया है, ठीक है 3 R आ गया upon what, यहाँ पे आ रहा है 3/2 R, ठीक है। और ये P external by PD कितना है, P external by PD, जरा देखो तो P external आपका जो है और पी पी डी जो प्रेशर है डी होगा वो इक्वली रहा होगा बेटा, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि सिंगल स्टेज कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे ये आर हो गया, ठीक है। अच्छा तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ऊपर से कितना आया, ऊपर से आया आपका, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई बाई टी सी भी करेंगे, ठीक है। अच्छा टी सी कितना है 250 केल्विन, ये कितना आ रहा है 3 और ये 1.5, तो ऊपर से कितना आ रहा है 4.5 R, ठीक है, और नीचे से कितना आ रहा है बेटा 2.5 R, 1.5 प्लस R, ओके तो 2.5 R, तो 2.5 R, R R कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा आपका 45/25, तो 45/25 इंटू वॉट इंटू आएगा आपका TC, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा बेटा 5 × 45 = 25, ठीक है, ये 250 केल्विन हो गया, तो 250 है ना, तो ये आ गया आपका 50 और यहाँ पे कितना रहा 450, तो अपन लोगों का 450 केल्विन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 450 केल्विन आ गया, चलो अब आगे की बात करते हैं अपन लोग, ठीक है। आगे जो दे रखा है इसमें, आगे क्या दे रखा है बेटा, हाँ ये आपका 2 bar था, सही है ना, कुछ ऐसा ही था ना, ये आपका 1 bar, ये 3 bar।
अब आपको डेल्टा एच सी डी निकालना, तो डेल्टा एच सी डी जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स गैस के कितने हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है 2 मोल्स हैं, ठीक है, तो 2 into what CPM कितना है 5/2 R, है ना, into what डेल्टा टी कितना आ रहा है बेटा, डेल्टा टी आ रहा है आपका 450 में से 250 कम कर दो, ये 200 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आया, ये आया आपका 2 into 2.5, ठीक है, into यहाँ से 200 आ रहा है, ठीक है, into R, मतलब ये 1000 R आ रहा है, ठीक है, R के टर्म्स में डेल्टा H दे रखा है बेटा, डेल्टा H C2D, मतलब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, C2D, अब मोर देन वन है तो और ऑप्शन भी अपन को चेक करने होंगे, तो आपको क्या बोला जा रहा है, देखो आपको बोला जा रहा है, आपको क्या बोला जा रहा है, TD जो है ना ये भी 450 केल्विन वो बोल रहे हैं, तो 450 केल्विन आ रहा है अपन का, ठीक है, ये भी आ गया आपका, है ना, तो ये दो आंसर तो हो गए अपने पास। अच्छा PB क्या होगा, PB अपन ने क्या निकाला बेटा, 2 बार निकाला है, तो बिल्कुल 2 बार हो गया, ठीक है, ये भी आंसर हो गया। अब डेल्टा ई फ्रॉम बी टू सी देखना है अपन को, तो डेल्टा ई फ्रॉम बी टू सी क्या आएगा, देखो इसमें डेल्टा ई जो है, डेल्टा ई अपन लोग बी टू सी निकालना चाह रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं मिट गया, तो डेल्टा ई जो है वो क्या होगा बेटा, एन सी वी एम डेल्टा टी करेंगे, एन की वैल्यू आपकी 2 है, सी वी एम 3/2 आर है, और यहां पे डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी ये 250 केल्विन था, ठीक है, और यहां पे 500 केल्विन था, तो अपन लोग क्या करेंगे भाई, ये आएगा आपका बी टू सी, बी टू सी आइसोकोरिक कूलिंग हो रही है, ऑब्वियस इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, घट रही है, और इंटरनल एनर्जी अगर घटेगी, ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे पॉजिटिव में तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा तो यहाँ पे अपन लोग मैग्नीट्यूड भी अगर चेक कर लेंगे ना, तो भी चलेगा 250 - 500, ठीक है, तो अपन लोगों को क्या करना है, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 into what 250 R, ये माइनस साइन के साथ, ठीक है, आंसर क्या दे रखा है उन्होंने 375, सो माइनस 375, तो आंसर 1, 2, 3 ही होगा, समझ में आ गई बात, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, चलो 7वां क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपको क्या बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा एस ट्रांजिशन ग्रेफाइट से आप क्या कर रहे हो, जो है डायमंड में जा रहे हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपको दिया जा रहा है कि 1.9 kJ/mol जो है एंथैल्पी इन्वॉल्व्ड है इसमें, एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज हायर देन एंट्रोपी ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से ज्यादा है ऐसा भी बोला जा रहा है, अब आपको इसके आधार पे क्वेश्चंस जो ऑप्शंस हैं उनको जस्टिफाई करना है कि आंसर क्या होगा, तो देखो बेटा यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, डायमंड इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, तो अगर हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को समझें तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो ग्रेफाइट से डायमंड जा रहे हो तो जो एंथैल्पी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे अगर मैं ग्राफिकली इसको प्लॉट करूं तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन जो है यहां पे ग्रेफाइट रहा होगा, ठीक है, और यहां पे डायमंड रहा होगा, ठीक है, तभी तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, ये कार्बन डायमंड रहा होगा और ये आपका कार्बन ग्रेफाइट रहा होगा, ठीक है, तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव आने का मतलब ही यही है, ये प्लस 1.9 है, मतलब एंथैल्पी जो है आपकी नेट हीट कंटेंट जो है डायमंड का ज्यादा है और ग्रेफाइट का कम है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ अब अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि तो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट हुआ, ठीक है, अब देखो तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट कार्बन ग्रेफाइट इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन डायमंड, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, डायमंड विल प्रोवाइड मोर हीट ऑफ कंबसन, ठीक है, At 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जहां तक कंबसन की बात है बेटा, तो देखो यहां पे अगर अपन लोग समझें तो कंबसन रिएक्शन क्या होगी, C+O2 gives what CO2, एक्सोथर्मिक फिनोमेना है अपन को पता है बेटा, डेल्टा एच ग्रेफाइट के लिए -393.5 kJ आता है, ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो CO2 का एनर्जी लेवल यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। अच्छा तो कार्बन
ग्रेफाइट से जो डेल्टा एच वन आएगा वो ये होगा, और इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबसन और इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबसन ये रही होगी। तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन ज्यादा किसकी होगी? डायमंड की, ग्रेफाइट की कम रही होगी। क्लियर? सो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है आपका, डायमंड विल प्रोवाइड मोर हीट ऑफ कंप्लीट कंबसन, ये करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट जरा देखते हैं बेटा, ट्रांजिशन डायमंड से ग्रेफाइट नेगेटिव है, ठीक है। ट्रांजिशन डायमंड से ग्रेफाइट क्या है आपका? नेगेटिव है। ये कैसे समझा जाए? डेल्टा जी का जो है, डेल्टा जी ट्रांजिशन नेगेटिव कैसे आएगा? अगर हम इस ट्रांजिशन की बात करें, कार्बन जो है आपका ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट से आप डायमंड जा रहे हो, ठीक है, तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आएगा, तब उसका रिवर्सिबल क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन, नेगेटिव आना चाहिए। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच बेटा, ठीक है। जहां तक इस रिएक्शन के डेल्टा एच की बात है तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसका डेल्टा एच क्या है भाई? इसकी एंट्रोपी ज्यादा है और इसकी एंट्रोपी कम है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। तो एंट्रोपी अगर इसकी ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है आप ज्यादा एंट्रोपी से कम एंट्रोपी ज्यादा, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, तो ये आपका नेगेटिव टर्म हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का क्या क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो इस बात का क्या मतलब होगा बेटा? उल्टी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर फोर्थ भी होगा। तो 2, 3, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़े आगे। नाउ इंटीरियर टाइप के क्वेश्चंस पे बात करते हैं अपन लोग, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन है, ए गिव्स पी, ठीक है। डेल्टा एच आपको 2.8 किलो जूल दिया जा रहा है, इज स्पॉन्टेनियस ओनली अबव 400 केल्विन, तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी एटलीस्ट, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः स्वतः अभिक्रिया जो होती है उसके लिए क्या होता है बेटा? डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव होना चाहिए, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेना नहीं, ये नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? इस बात का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो टी डेल्टा एस से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई टी, ऐसा ही वो बोल रहे हैं ना अपन को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी, तो यहां पे आपको डेल्टा एच कितना दिया जा रहा है? 2.8, तो 2.8 कर दो उसको, किलो जूल है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यहां पे क्या है? 400 केल्विन बेटा, ठीक है। आपको क्या दिया जा रहा है? 400 केल्विन, तो 400 केल्विन अपन ने टेम्परेचर ले रखा है, तो 400 से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आ गया 0.7, मतलब 7 आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। तो डेल्टा है जूल पर केल्विन के टर्म्स में आएगा, तो आंसर इसका हो गया बेटा 7, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 3.6 किलो जूल, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड इज 177 डिग्री सेंटीग्रेड, द मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन विल बी, तो मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा वो होगा डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन, ओके, एंड बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको दे रखा है 3.6, ठीक है। टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है, तो 3.6 इंटू 10 to the power 3, मतलब आप 1000 कर दो इधर पे, ठीक है, और 177 प्लस 273 आप ऐड करो जरा, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपका 400, 273, 7 × 3 = 10, 7 × 7 = 14, 15, ठीक है ना, ओके, और 3 × 1 = 4, 450 है ना, तो 450 आ गया, क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको 36 कर दो, यहाँ पे एक जीरो कम कर दो, ठीक है, एक जीरो यहाँ से हटा दो, एक जीरो यहाँ से हटा दो, ठीक है, ये 45 बचा। 9 से क्या होगा बेटा? 9 × 4 = 36, 9 × 45 = 5, 2 × 10, ठीक है, 4 × 2 = 8, सो आंसर क्या आ गया इसका? 8 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3।
आपको क्या बोला जा रहा है, इफ 2 kilocalorie हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड 6 kilocalorie वर्क इज डन, तो 2 kilocalorie हीट सिस्टम को दी जा रही है, 6 kilocalorie वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा तो अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे, डब्ल्यू वर्क जो है आपका पॉजिटिव है प्लस 6 kilocalorie, ठीक है। आपको जो है हीट गिवन जो दी जा रही है, हीट इज गिवन, तो ये आपका प्लस 2 kilocalorie हो गया। आपको बोला जा रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा बेटा, 6 + 2 कितना होता है 8, ठीक है। तो ये आपका 8 kilocalorie, ठीक है। सो आंसर आपका आ गया 8, है ना, तो ये थर्ड का आंसर हो गया 8 kilocalorie। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा आपको बोला जा रहा है कि इफ, ये गैसेस स्टेट का क्वेश्चन है, आरएमएस स्पीड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिया गया। इफ आरएमएस स्पीड ऑफ मीथेन एट 48 केल्विन इज सेम दैट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट टी केल्विन, ठीक है भाई। तो वो कह रहे हैं कि भाई वी आरएमएस फॉर मीथेन इज इक्वल टू व्हाट, वी मोस्ट प्रोबेबल फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा आरएमएस स्पीड क्या होती है बेटा, √3 RT/m, ठीक है। अब √√ में हटा दे रहा हूं दोनों का स्क्वायर करके, और यहाँ पे ये क्या होगा बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2 RT/m, ठीक है। यहाँ पे मोलर मास हाइड्रोजन का, यहाँ पे मोलर मास मीथेन का, यहाँ पे टेम्परेचर मीथेन का, और यहाँ पे टेम्परेचर हाइड्रोजन का, ठीक है। अब अपन लोगों को क्या करना है, यहाँ पे RR कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे बचेगा 3/, ठीक है, और यहाँ पे 16 आया, और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, टेम्परेचर आपने लिया 48 केल्विन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है बेटा 2, और ये आपका मोलर मास इसका हाइड्रोजन का 2 हो गया। टेम्परेचर आपको पता करना है हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, तो 16 × 48 3 × 9 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर होगा 9 केल्विन, ठीक है। कितना होगा 9 केल्विन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन जो है आपका ये थर्मोकेमिस्ट्री से है। आपको बोला जा रहा है कि AB, A2 and B2 are diatomic molecules if the bond enthalpy of A2, AB and B2 are in the ratio of 1:1:0.5 and enthalpy of formation of AB is from A2 and B2 is -100, ठीक है। तो एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है बॉन्ड एंथेल्पी ऑफ A2, है ना, जो तो एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जब AB दिया गया है तो अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा, हाफ ऑफ A2 प्लस हाफ ऑफ B2, क्लियर। आधा मोल A2 का और आधा मोल B2 का, एक मोल AB का बनाएगा, तो इसके लिए डेल्टा H कितना आएगा, इसके लिए डेल्टा H आएगा आपका -100, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हाफ हटा दूँ, ठीक है, तो ये A2 और ये B, और यहाँ पे आ जाएगा 2AB, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 200। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही हो जाएगी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है आपको बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में, अगर बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो तो आप क्या लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगी बेटा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ए, ठीक है, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ B और B माइनस 2 times ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ A और B, ठीक है। अच्छा आपको बोला जा रहा है कि इन बॉन्ड एनर्जी का जो रेशियो है वो है 1:1:0.5, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि A2 की जो, और AB और B2, तो अगर A2 को मैं E मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, AB भी आपका E के बराबर होगा, -2E हो गया, ठीक है। और ये B2 कितना बेटा 0.5E, ठीक है। अच्छा अब अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये कितना आ रहा है आपका -200, क्लियर। तो अपन लोग देखेंगे यहाँ से इस तरफ क्या बचा, ये -1.5 मतलब -0.5E बचा, ठीक है। ये बॉन्ड एनर्जी A2 की मैंने लिख ली है ना, -200, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा, E जो आएगा वो आएगा आपका --200/0.5, कितना होगा, ये होगा 400, ठीक है। अब 400 में किलो जूल आपको आंसर जो देना है वो x × 10^2 के, ये किलो जूल आ गया, तो 10^2 के टर्म्स में इसको क्या लिखेंगे, 4×10^2, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपनी, 4, ठीक है। सो ये आपका आंसर इसका क्या होगा बेटा, आंसर इसका होगा 4, ठीक है, x = 4। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपने जो है
परसेंटेज आयनिक करेक्टर 19.5 है बेटा. द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स व्हेन द परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज 19.5, तो ए और बी के बीच में जो अगर अपन लोगों को परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है तो अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के टर्म्स में एक फॉर्मूला याद होगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर का, ठीक है, वो कितना होता है 16 × XA − XB + 3.5 XA − XB² ठीक है. अच्छा जी, तो ये आपका XA XB क्या बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है. अच्छा अब आप देखो इसको, तो 16 + 3.5 19.5 होता है बेटा, तो XA − XB की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 अगर हम रख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर जो है आपका 19.5% आ जाएगा. तो डिफरेंस जो आया XA − XB का हो गया 1, ठीक है. सो आंसर इसका हो गया 1. चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, जो है पीरियडिक टेबल से है. आपको दिया जा रहा है द फर्स्ट फोर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट 6.11 11.87 50 and 67, ठीक है. तो अगर अपन लोग देखें बेटा यहाँ पे जरा आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है. तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी 6 है ना, दूसरी कितनी है 11, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं दिख रहा हूँ. आयनाइजेशन एनर्जी तीसरी जो है वो क्या है 50 है. तो आप देखो बेटा 6 और 11 का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा तो होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन आपका जो है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का मार्जिन जरा रीड करो, और यहाँ पे 67, तो यहाँ पे भी कोई एक्सट्रीम जंप नहीं है, ठीक है ना. 50 to 67 बहुत ज्यादा 10-12 का फर्क है, ठीक है ना. ओके अच्छा 17 का, और यहाँ पे जो है अगर अपन लोग देखें तो सेकेंड और थर्ड के बीच में जो गैप आया है वो अराउंड 40 के आसपास आ रहा है, ठीक है. तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है आपको यहाँ पे जंप मिला है, इसका मतलब जो है आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ठीक है. आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पेनल्टीमेट सेल से निकलेगा, और पेनल्टीमेट सेल से निकलेगा इसीलिए हाई जंप मिला है अपन को. तो पूछा क्या जा रहा है सवाल में कि द नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस है यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 02, ठीक है. सो आंसर इसका कितना जाएगा 02, ठीक है. तो इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री और पीरियडिक प्रॉपर्टीज का मैंने डिस्कशन करा आप लोगों के साथ, ठीक है. तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, क्लियर. सो चलो फिर मिलते हैं किसी और पेपर में, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे. तो आज आपका DCM DTS 14/21 का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं, और इसमें जो है वो हम केवल ऑर्गेनिक वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, फिजिकल वाला पार्ट आपसे विनय सर डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से. ये आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, निम्न में से कौन सी अनअपचायक शर्करा है. तो यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, ये आपको पता है कि एक तो शुगर को अगर मैं क्लासीफाई करूँ, ठीक है, तो शुगर को जो है वो आप दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हो. एक तो अपने पास होती है रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, क्या शुगर जो है इसको मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ. एक तो होती है रिड्यूसिंग, ठीक है, और दूसरी अपने पास होती है कौन सी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है. और अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस ये होता है कि रिड्यूसिंग शुगर एक ऐसी शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, उनको क्या करे, रिड्यूस करे, तो उसको तो रिड्यूसिंग बोल देंगे, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये इनको रिड्यूस करती नहीं है. तो भैया शुगर के केस में हमें यह ध्यान में रखना होता है कि जो हेमी एसिटेल है, ठीक है ना, हेमी एसिटेल का मतलब यह है कि आपको यह देखना है कि फाइनली एक ही कार्बन पर H होना चाहिए या एक ही कार्बन पर OH होना चाहिए, और सेम कार्बन पर जो है वो OR, तो OR और OH एक ही कार्बन पर आना चाहिए. जहाँ ऐसी कंडीशन आ गई वो बेसिकली जो है वो कैसी हो जाएगी, वो एक रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी, और अदरवाइज नहीं आता है, एक ही कार्बन पर OH और OR नहीं आता, तो वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर मानी जाएगी, ठीक है. तो अब देखना ज़रा, जैसे इसमें अपन पहले में चेक करते हैं, तो जो पहला है उसमें आप देखो जरा कि इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन पर OH है और फिर इधर आया तो ये O और ये कार्बन है, तो ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये OR, तो एक पर OH OR, तो ये वाला कैसा है भैया, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. कैसा, एक सॉरी ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये तो रिड्यूसिंग हो गया. सेकेंड वाले को चेक करते हैं अपन, सेकेंड वाला बिल्कुल ऐसा ही है. देखो जरा इस कार्बन पर देखो OH और OR दोनों है, तो ये भी जो है फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा.
थर्ड वाले में देखते हैं तो भैया इसमें ऐसा कोई भी ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा जिस एक ही कार्बन पर OH और OR दोनों हो। तो भैया इसमें जो है वो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, ये वाला जो है वो अपना आंसर है, यानी कि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और इसमें देखो जरा, ये वाले पर भी यहाँ पर OH और यहाँ OR, अब इससे फर्क क्या पड़ता है? तो एक ही कार्बन पर जो OH और OR दोनों आते हैं, तब जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे ना, तो अपने पास जो है वो कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, और कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आपको पता ही है टोलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, और खुद का इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से जो है वो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर पॉलीमर। देखो कि पॉलिस्टर पॉलीमर जो होगा इसमें एस्टर लिंकेज होगा, CO और ये वाला लिंकेज होगा, और बहुत सारे जब एस्टर लिंकेज होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं पॉली एस्टर। ठीक है, और इनमें से जो है वो पॉलीएस्टर जो है वो कौन सा है, टेरिलीन। सीधा सा है, NCERT बेस्ट है। टेरिलीन के जो भी आपके पास मोनोमर होते हैं, कौन कौन से मोनोमर होता है, जो है वो दो मोनोमर होता है, एक तो टर्थेलिक एसिड होता है, ठीक है, एक तो टर्थेलिक एसिड, ठीक है, और दूसरा जो है वो अपने पास कौन सा होता है, इथाइलीन ग्लाइकोल होता है। ठीक है, इथाइलीन ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल का मतलब एल्कोहल हो गया, और एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दोनों के बीच में जब भी लिंकेज होगी तो एस्टर लिंकेज जो है वो आएगा ही आएगा। तो ये इनमें से जो है वो इसमें केवल एस्टर लिंकेज अपने पास होता है। बेकेलाइट आपको पता ही है, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, ठीक है ना, यूरिया जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। मेलामाइन जो है वो अपने पास, इसको जो है वो हम अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने के काम में लेते हैं। नाइलोन 66, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड का पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो ये हो गया भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिएगा आपको क्या कह रहा है, ये आपको बोल रहा है कि ग्लाइकोजन इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है भैया, ये ग्लाइकोजन जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज का एक शाखित बहुलक होता है। यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस वेयर ब्रांचिंग अकर्स एट द फॉर्मेशन, ब्रांचिंग अकर्स बाय द फॉर्मेशन C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कि बेसिकली आपको बोल रहा है कि C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो दो यूनिट आपस में जुड़ती है, और ब्रांचिंग जो होती है वो C1C6 के बीच में होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू, ये लाइन जो है वो बिल्कुल NCERT से ली गई है, और NCERT से एज इट इज उठाई गई लाइन है, इसीलिए आपको कहते हैं कि भैया NCERT साथ साथ पढ़ते चलो। NCERT की कोई भी लाइन जो है उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखना, आपको ये बोल रहा है कि ये किसके सिमिलर होगा। एमाइलोज, आप याद करो कि स्टार्च जो होता है उसके अपने पास क्या होता है भैया, दो अपने पास बेसिकली कंपोनेंट होते हैं, एक तो एमाइलोज होता है, एक कौन सा होता है, एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज तो जो है वो स्ट्रेट चेन होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रक्चर है जैसी इसने मेंशन कर रखी है ग्लाइकोजन के जैसे। तो भैया इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा अपने पास, एमाइलोपेक्टिन। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है एक आपको कंपाउंड दिया है, इसकी रिएक्शन करवानी है भैया बेसिक मीडियम में, और मेजर प्रोडक्ट इज। अब इस क्वेश्चन में जो है वो बड़ी बात यही है, देखना जरा कि ये बेसिक मीडियम लेने की वजह से जो है वो क्या होगा। सबसे पहले तो अपने पास ये है, आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दे रखा है, तो भैया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है ना, ये अपने पास क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अपने पास जो वो कंडीशन ऐसी है तो ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपको पता है जनरली वहाँ जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलती है, इसको ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ मिलेगी, देखो जरा कि ये नाइट्रोजन है, NH2 है, इसका इफेक्ट कैसा, प्लस एम, और ये OH है तो इसका इफेक्ट भी कैसा है अपने पास, इसका इफेक्ट भी जो है वो अपने पास प्लस एम इफेक्ट है। अब आप सोचोगे कि सर ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट किसका है, तो ज़्यादा तो NH2 का है, तो हो सकता है NH2 की ऑर्थो और मेट पैरा पोजीशन पर जो है वो ये अटैक कर जाए। तो पैरा पर तो OH है तो यहाँ पर तो करेगा नहीं, या तो ऑर्थो पर, इन दोनों पोजीशन पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो कुछ ये वाला बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा अपन सोचते हैं कि भैया ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, अगर ये यहाँ पर बेसिक मीडियम मान लो नहीं देता तब तो ऐसा हो सकता था, लेकिन बेसिक मीडियम देने की वजह से जो है वो अब क्या हो जाएगा कि जो OH है ना, इसका ये हाइड्रोजन आपको पता है कैसा है भैया, ज़्यादा एसिडिक है। NH2 के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन जो है वो क्या है, मोर एसिडिक है,
और एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, जैसे ही आप इसमें OH मिलाओगे तो सबसे पहले आपको बताया कि एसिड बेस रिएक्शन अपन सबसे पहले करवाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर चला जाएगा, अपने पास ऊपर की तरफ जो है वो फिनोक्साइड आयन बनेगा। और आप ये चीज अच्छे से समझते हो कि फिनोक्साइड आयन जब बनता है, ठीक है, तो अब देखो जरा, एक तो मैं चेक करता हूं भैया O माइनस को, एक मैं चेक करता हूं भैया NH2 को, तो इन दोनों में से प्लस एम ज्यादा किसका होता है, O माइनस का प्लस एम जो है वो क्या होता है भैया, बेसिकली ज्यादा होता है। तो अब जो भी अपने पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इस O माइनस की पोजीशन पर, मतलब ये है कि O माइनस जो है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा वहां अटैक करेगा, तो यहां पर इंक्रीज करेगा और यहां पर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहां पर अटैक करेगा, इसलिए जो है वो यहां अटैक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी कपलिंग रिएक्शन होगी ना वो OH की ऑर्थो पोजीशन के साथ होगी, यानी कि यहां होगी, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपना क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखना क्या कह रहा है। आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाई H3O+, यानी कि आपको जो है उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस भी करवाना है, कैन बी कंज्यूम्ड बाय गिवन मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल जो है कितने बेसिकली RMGX को यूज करेगा, हमें ये बताना है। तो भैया देखो जरा कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवानी है, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड जो है वो अपना एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, जहाँ इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, ये देखो जरा ये पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक जो है ग्रिग्नार्ड यहाँ पर काम में आएगा, ठीक है। फिर ग्रिग्नार्ड जो है वो कीटोन के साथ जो है किस तरीके की कार्बोनिल के साथ कैसे रिएक्शन देता है, तो भैया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन देता है, तो एक जो है वो ग्रिग्नार्ड यहां पर काम में आएगा, ठीक है। फिर SO3H जो है वो कैसा है भैया, ये अपने पास एसिडिक है, और R माइनस जो है, क्योंकि यहां से आपको क्या मिलेगा जी, R माइनस, ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, तो ये क्या करेगा, तुरंत यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाएगा, तो एक ग्रिग्नार्ड यहां पर काम में आ गया। फिर जो है वो किसी भी अपन जो है वो अपने पास कोई भी एसिड डेरिवेटिव होता है, तो किसी भी एसिड डेरिवेटिव के साथ एमाइड को छोड़कर, क्योंकि एमाइड में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो किसी भी एसिड डेरिवेटिव के साथ जो है ग्रिग्नार्ड के 2 मोल काम में आते हैं, 2 बार रिएक्शन होती है, क्योंकि यहां पर जो जुड़ा हुआ ग्रुप होता है ना, ये वाला जो ग्रुप होता है, चाहे तो आप देख लो कि एस्टर देख लो, चाहे आप जो है वो एनहाइड्राइड देख लो, ठीक है, या फिर आप जो है वो इसके अलावा अपने पास और भी कोई ऐसे डेरिवेटिव हो सकता है, एमाइड जो है वो ऐसा काम नहीं करेगा, एमाइड के साथ अलग तरीके से रिएक्शन होगी, एसाइल हैलाइड के साथ जो है बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन होगी, तो ये जो है ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये पहले केस में, पहले स्टेप में जब रिएक्शन करेगा ना ग्रिग्नार्ड, तो ये जो क्या हो जाएंगे, यहां से हट जाएंगे, फिर सेकंड में जो है वापस से रिएक्शन करेगा, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे। तो आप देखते हैं जरा 2, 3, 4 और 5 तो यहां पर काम में आ गए। अब मुझे पता है कि आपको दिक्कत जो है वो छठे में हुई होगी, छठा कहां पर काम में आता है, देखिएगा जरा कि यहां पर देखना कि ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये वाला, आप इस रिंग को ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड आया, फिर यहां पर भी डबल बॉन्ड होगा क्योंकि एरोमेटिक है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है। आप कहोगे कि सर क्यों, तो भैया इसलिए क्योंकि आप इस रिंग को ध्यान से देखना, इतने पोर्शन को ध्यान से देखना, अगर यहां से H प्लस निकल गया तो पीछे ये बना हुआ, इसके पास जो 6 pi इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 6 pi इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा भैया, ये एरोमेटिक हो जाएगा, तो एरोमेटिक होने की वजह से जो है वो बिल्कुल यहां पर जो है वो H प्लस यहां से क्या होगा, रिलीज होगा, समझ गए बात को। तो छठा जो मॉलिक्यूल है ग्रिग्नार्ड का वो यहां पर काम में आएगा, इसलिए ओवरऑल जो है वो कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम में आएंगे, 6 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम में आएंगे। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भैया अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपने किया होगा, नहीं किया तो मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले जो है वो आपको रिएक्शन करवानी है भैया इस कंपाउंड की, ध्यान से देखिएगा इस कंपाउंड, ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, ठीक है, कुछ याद आया तो भैया ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड में जो है वो अपने पास कुछ ऐसी कंडीशन है, ये है भैया COO और ये है C2H5, और यहां पर अपने पास है COO और ये है C2H5, ठीक है। तो अब इसमें देखना जरा कि अगर आप देख रहे हो कि अब हमारे पास जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि दो CO ग्रुप के साथ, ठीक है, दो CO ग्रुप के बीच में जब भी CH2 आता है, इसको हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया यहां से जब H प्लस रिलीज होगा ना तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा ना वो हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि ये वाला जो माइनस एम लगा रहा है और ये भी इसका पर माइनस एम लगा रहा है, तो ये जो है वो हाईली स्टेबल है,
तो एक्टिव है, इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है और एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये क्या करेगा, तुरंत बेस की प्रेजेंस में, बेस आपने ले रखा है, देखो जरा C2H5O- बेस ले रखा है, तो तुरंत बेस की प्रेजेंस में यहां से क्या कर देगा भैया, दो हाइड्रोजन है एक H+ जो यहां से क्या कर देगा, हटा देगा, ये बेस जो है वो H+ को निकाल के ले जाएगा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास जो है वो जो कंपाउंड दिया है ये कुछ ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये हो गया जी CO और यहां आया जी PH, आपको जो है वो कुछ ऐसा कंपाउंड दिया है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको जो है वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके मैंने दे दिया, अब जो है वो उम्मीद करते रिएक्शन आप करवा लोगे, फिर भी मैं जो है वो बता देता हूं, ओ C2H5 है, इधर भी CO और ये O और ये है C2H5, ठीक है। अब देखो कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अपने पास जो है वो डबल सिंगल और ये डबल कीटोन है, तो जनरली हम क्या करते हैं कीटोन पर अटैक करवाते हैं और 1-2 प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन भैया इसकी प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड क्योंकि कॉन्जुगेशन में है तो 1-4 एडिशन होगा, 1-4 अटैक होगा, ये वाला जो है वो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक नहीं होगा, और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला यहाँ पर जाएगा, अपने पास जो है वो पहली कंडीशन में जो है वो ये वाला बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा भैया ओ माइनस, और फिर जो है वो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा PH, और यहाँ पर जो है वो अपने पास डबल बॉन्ड आएगा और फिर ये आ गया PH, यहाँ पर C और ये है भैया अपने पास H और यहाँ पर क्या है CO और O और ये C2H5, ऐसे जो है वो दो ग्रुप है, ये COO और ये C2H5, क्लियर है बात, तो ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। अब देखो एक चीज़ और कि भैया क्योंकि हमारे पास मीडियम जो है ना उसमें हमने एथेनॉल लिया हुआ है तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगा तो ये कंपाउंड जो है वो ओवरऑल मैं पूरा ही आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आया OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये है भैया अपने पास PH, ये सिंगल बॉन्ड आया, ये PH ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C और ये H और ये आया CO और यहाँ पर O और ये C2H5 और ये COO और ये आया C2H5, क्लियर है बात, ये हुआ। अब इस कंपाउंड में ध्यान से देखना ये क्या है, ये अपने पास इनॉल है तो इसमें जो है वो क्या होगा, टोटमराइज होगा, टोटमराइज में डायरेक्टली करवा देता हूँ, कोई मैकेनिज्म तो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, तो ये वाला इधर और डायरेक्टली करवाने का तरीका अपने पास यही है। तो भैया जी बेसिकली जो है वो अपने पास अभी के लिए, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है भैया ध्यान से, तो ये अपने पास कंपाउंड बनेगा, इधर जो है वो अपने पास है भैया एक तो फिनाइल जुड़ा है, एक सी अच्छा एच और फिर जो है वो सी ओ और O और ये C2H5 और यहाँ पर भी COO C2H5 ये बन गया, ठीक है। अब देखना जरा रिएक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये वाला हाइड्रोजन जो है ना वो और ज़्यादा एसिडिक हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि इधर PH आ गया है तो इसका माइनस I आ गया है जिसकी वजह से और ज़्यादा एसिडिक हो गया है, बेस आपने ले ही रखा है और क्योंकि बेस ले रखा तो अब इस हाइड्रोजन की बारी आएगी, ये वाले हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, अब इनको जो है वो यहाँ से आप हटाओगे ना तो पीछे हमारे पास देखना कंडीशन कैसी आएगी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो इसका कॉन्जुगेटेड बना रहा हूँ, देखो ये आया भैया इसका कॉन्जुगेटेड ये PH और यहाँ पर अपने पास आएगा भैया PH और ये C- और ये आया COO और ये C2H5 और यहाँ पर भी अपने पास बिल्कुल CO और ये C2H5, ठीक है। अब देखो कि इसमें जो है वो वापस से हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाए, हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाए, दो दो पॉसिबिलिटी है, पहली बात तो अटैक जो है क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो 1-4 अटैक होगा, दूसरी बात अगर ये वाला यहाँ पर अटैक करता है तो 1-2-3-4 चार मेंबर की रिंग बनेगी, जबकि अगर ये वाला यहाँ अटैक करता है तो ओवरऑल 6 मेंबर की रिंग बनेगी, तो 6 मेंबर की रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए मैं इसको यहीं अटैक कराऊंगा, ये वाला इधर ये वाला वापस से इधर, तो हमारे पास जो है वो भैया क्वेश्चन जो है क्वेश्चन क्या हो गया, तो रामायणी हो गई, तो कंडीशन जो है वो ऐसी आ गई है, ये PH और यहाँ पर जो है वो PH और ये वाला कार्बन था, इस कार्बन पर एक तो COO और ये C2H5 जुड़ा है और इस कार्बन पर एक और COO और ये C2H5 जुड़ा है, क्लियर है। देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाली कंडीशन अपने पास आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें जो है क्योंकि हमारे पास मीडियम एसिडिक या बेसिक होता है तो टोटमराइज ये हो ही सकता है, यहाँ पर ये प्रोटिक मतलब एक तरीके से प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा तो मैं डायरेक्टली इसको प्रोटोनेटेड करवा देता हूँ, देखिएगा जरा ये जो है वो अपने पास यहाँ पर जो है वो प्रोटोनेटेड हो गया
ओ एच। तो इसको जब अगेन मैं टोटोमराइज करवाऊंगा, ये लो जी मैंने इसको टोटोमराइज करवा दिया डायरेक्टली, ठीक है। हालांकि ये तरीका जो है वो सही नहीं होता, थोड़ा सा गलत होता है, लेकिन भैया हमें तो टाइम बचाना है, शॉर्ट पे करना है, इसलिए इसको डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो है वो कंडीशन ऐसी आ गई, यहाँ पर तो आएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया पी एच, और यहाँ अपने पास आएगा सी ओ ओ, और ये सी टू एच फाइव, और ये ओ सी, और ये ओ, और इधर सी टू एच फाइव, और ये पी एच, ठीक है। अपनी रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, कंप्लीट है। यहां तक केवल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे जो है वो आपको जो है दो काम करने हैं। एक तो क्या करना भैया, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है इस कंपाउंड का, और दूसरा काम इसको हीट करना है। तो भैया जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो देखिएगा क्या होगा कि अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओ, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो वो किस में बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अपने अल्कोहल में बदलता है। तो ये वाला जो है वो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। तो जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा ना, तो सी ओ, यहाँ पर आया पी एच, यहाँ पर पी एच, और यहाँ पर जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा सी ओ ओ एच, और ये सी ओ ओ एच। ये देखो जरा, एक ही कार्बन पर दो सी डब्ल्यू एच ग्रुप है, और दो सी डब्ल्यू एच, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा भैया जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को आप हीट करते हो तो डायरेक्टली यहां से डी कार्बोक्सिलेशन होता है, सीओ टू बाहर निकलती है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो ये वाला बनेगा, यहां पर पी एच, और यहां पर पी एच, और यहां पर क्या आएगा सी डब्ल्यू एच। तो ये अपना फाइनल मेजर प्रोडक्ट होगा भैया रिएक्शन का। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, उम्मीद करते हैं आपने किया भी होगा और आपका जो है वो क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना क्या है भैया, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 फिजिकल का है, विनय सर आपसे डिस्कस करेंगे। फिर जो है वो अगला पैराग्राफ अपने पास, ये भी विनय सर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये अपने पास जो है वो फिजिकल के हैं। इस पैराग्राफ पर आते हैं, ऑर्गेनिक का है, देखते हैं क्या कह रहा है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको बोल रहा है कि भैया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मॉलिकुलर फॉर्मूला C10H6, ठीक है, कि उसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो C10H6 है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। ए ऑन ट्रीटमेंट विद HgSO4 H2SO4 गिव्स बी, तो एक तरीके से ऑक्सीमर्क्यूरेशन या फिर जो खुसरोव्स रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें अपन क्या करवाते हैं खुसरोव्स रिएक्शन में जो है वो हम हाइड्रेशन करवाते हैं एल्काइन का, बिल्कुल शायद रिएजेंट तो वही ले रखा है, हो सकता है कि जो है वो ए में ट्रिपल बॉन्ड हो, इससे यही आइडिया हम लगा सकते हैं। गिव्स बी, तो बी जो बन गया, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है विच फॉर्म एन सोल्यूबल प्रेसिपिटेट फिर 2,4-DNP, इसका मतलब ये है कि सोल्यूबल प्रेसिपिटेट 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब कोई कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकता है, बी कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, बट फेल टू रिएक्ट विद अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3, इसका मतलब बी एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जो 2,4-DNP टेस्ट तो देता है, लेकिन जो टॉलेंस रिएजेंट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इसका मतलब पक्का बी जो है वो क्या है कीटोन है। तो बी का पता चल गया भैया, बी कीटोन है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं हो सकता। आगे बोल रखा है बी ऑन रिफ्लक्सिंग विद डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन प्रोडक्ट सी, अरे भैया ये तो हमें पता ही है कि किसी भी कार्बोनिल को आप डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करोगे तो बेसिकली एल्डोल टाइप रिएक्शन होगी, तो एल्डोल होगा तो एल्डोल में सी बन गया। ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ N2H4, ये कौन सी रिएक्शन है भैया N2H4, ये है भैया अपने पास वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये क्या करेगा, ये अपने को जो है CO ग्रुप को किस में बदलेगा CH2 में चेंज करेगा। फिर आगे आपको बोल रहा है गिव्स विच डीक्लराइज Br2 वाटर, बिल्कुल भैया CO2 में कन्वर्ट करने का जो Br2 वाटर को डीक्लराइज करता है, इसका मतलब डबल बॉन्ड भी वहां पर एक होना चाहिए। डी ऑन ट्रीटमेंट विद H2PD प्रोड्यूस द फॉलोइंग कंपाउंड X, यानी कि H2PD के साथ रिएक्शन करवाई, एक तरीके से हाइड्रोजिनेशन करवाया तो ये वाला कंपाउंड बना, मतलब इस कंपाउंड में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होगा ना वो इससे जस्ट पहले की कंडीशन है, यानी डी में जो है वो डबल बॉन्ड है, इसी कंपाउंड में आपको कहीं डबल बॉन्ड लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन जो है उसमें पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भैया स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो सबसे पहले आपको ए की स्ट्रक्चर पूछी है, देखना जरा, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि भैया ए जो है उसमें क्या हो सकता है, ए में जो है वो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि यहां पर HgSO4 के साथ रिएक्शन करवा रहा है और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो A में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसका एक आइडिया यहां से भी लगा सकते हो कि B जो है ना, B जो बन रहा है वो एक कीटोन बन रहा है,
तो बिल्कुल आपको ऐसा ही कोई सिलेक्ट करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो और कीटोन हो। अच्छा फॉर्मूला भी आप फॉर्मूले से भी एक प्रिडिक्शन कर सकते हो, देखना C10H6 यानी कि टोटल 10 कार्बन होने चाहिए। अब इनमें जो है वो 10 कार्बन किस किस में है भैया जी, इसमें जो है वो आप देख रहे हो इसमें 10 कार्बन है, ठीक है, इसमें भी 10 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन देखो 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, तो ये तो हो ही नहीं सकता, फॉर्मूला ही मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो यहाँ पर भी जो है वो टोटल कार्बन 11 है, ये भी मैच नहीं करेगा, इन दोनों में से करेगा। तो मैंने क्या कहा, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड इसी में है, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो ये तो हो गया ए, ठीक है। अब क्या करवाया भैया, इसका आगे की रिएक्शन आप लिख सकते हो चाहो तो, कि ए की जो है वो रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ भैया जी, HgSO4 और H+ की प्रेजेंस में, कुचरोव्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो जब हाइड्रेशन इसका करवाऊंगा ना, तो हमारे पास जो है वो ये वाली कंडीशन आएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डायरेक्टली लिख रहा हूँ भैया, इंटरमीडिएट स्टेप में आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये बना, अब इसको देख लो, 2,4 DNP टेस्ट देता है लेकिन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, तो ये वाला कंपाउंड जो है वो अपना कौन हो जाएगा, ये कंपाउंड अपना हो गया बी। देखो जी पैराग्राफ को वापस देखते एक बार, तो फिर आगे आपको क्या करना है, बी ऑन रिफ्लेक्सिंग विद डाइल्यूट NaOH, मतलब यह है कि बी का आपको क्या करवाना है, बी अपने पास क्या था, बी अपने पास ये था, बी अपने पास ये था, और इसका जो है वो आपको क्या करवाना है, इसका आपको करवाना है भैया बेसिकली एल्डोल करवानी है, तो डायरेक्टली एल्डोल करवाते हैं। तो भैया इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन ले लेता हूँ, इसके दो हाइड्रोजन मेरे को चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, ये लो जी यही काम करूंगा। तो मेरे पास जो वो ओवरऑल ये वाला कंपाउंड बनेगा, एक ध्यान से देखना, ये 5 कार्बन की रिंग, नीचे डबल बॉन्ड ओ आएगा और ऊपर जो है वो ये लो जी, ये कंपाउंड बनेगा। तो ये कंपाउंड अपना क्या है, ये सी है। अब सी की रिएक्शन जो है वो आपने किसके साथ करवा दी, इसका वुल्फ किसने रिडक्शन करवा दिया, तो ये जो है वो अपना किस में बदल जाएगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास जो है वो ओवरऑल अभी ये कंपाउंड बनेगा, ये लो ये अपने पास हो गया डी, और डी का जो है वो आपने हाइड्रोजनेशन करवा दिया प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब सारी चीजें हमने सही की है, क्योंकि फाइनल अपना प्रोडक्ट और क्वेश्चन का प्रोडक्ट दोनों क्या है, सिमिलर है। तो हमारे पास जो है वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यही है कि बी और सी क्या होगा। तो भैया मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ये तो अपना पास बी हो जाएगा, और सी जो है वो क्या ये वाला है क्या, बिल्कुल सी जो है वो ये वाला ही था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपना क्या हो जाएगा भैया, इसमें सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अपने पास सेक्शन है 1 or more than 1 टाइप, तो फिजिकल का है, विनय सर आपसे डिस्कस कर लेंगे, ये भी विनय सर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो अपन चलते हैं, तो भैया विनय सर थर्मो का क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वो अपन क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये भी विनय सर, ये आ गया भैया अपना क्वेश्चन। तो देखिएगा जरा, इसमें आपको बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशंस, तो सही अभिक्रिया को आपको क्या करना है भैया, चुनना है। तो देखिएगा कि आपको जो है वो सबसे पहला ये एक रिएक्शन दे रखी है, KMnO4 के साथ इसका क्या करवा रखा है, ऑक्सीडेशन करवा रखा है। KMnO4 क्या करता है, KMnO4 डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और कीटोन तो नॉर्मली हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज होती ही नहीं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, तो होना ये चाहिए था, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, कोई भी डबल बॉन्ड हो सकता है, सिनेमिक सिस्टम में हो चाहे ना हो। तो भैया ये वाला प्रोडक्ट तो इसमें जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, कुछ और हो सकता था। इसमें बात करें अपन, तो ये जो है वो अपने पास अभी, या ध्यान से देखो इसको, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है, तो ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है, हाँ डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को छेड़ता ही नहीं है, तो ये जो है वो केवल और केवल इसको रिड्यूस करेगा और एल्कोहल तक लेके जाता है। तो भैया ये ठीक है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट जो है वो अपने पास अगेन सेम कंपाउंड दे रखा है, कीटोन दे रखा है, LiLH4, तो ये क्या करता है भैया, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप को एल्कोहल में बदलता है। इसके अलावा LiLH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है लेकिन केवल सिनेमिक सिस्टम में। सिनेमिक सिस्टम का मतलब है डबल बॉन्ड अगर डायरेक्टली जो है वो अपने पास कुछ ऐसे लगा हो तो ही ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, अदरवाइज किसी भी सिस्टम में इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसने सही प्रोडक्ट बना रखा है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको सेम कंपाउंड दे रखा है, इसका हाइड्रोजिनेशन करवाना है, तो भैया जी हाइड्रोजिनेशन से भी अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप को डायरेक्टली किस में बदलते हैं, एल्केन में बदलते हैं, तो यही कर रखा है। ये वाला सिनेमिक सिस्टम का डबल बॉन्ड है, ये रिड्यूस होता नहीं है, तो ये भी इसमें ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये बोल रहा है कि एसिटोफिनॉन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, एसिटोफिनॉन जो है वो किससे हम बना सकते हैं।
तो पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ वन फिनाइल एथेनॉल, ठीक है भैया, देखो जरा कि वन फिनाइल एथेनॉल, ये अपने पास है जी वन फिनाइल एथेनॉल CH3 और ये CH और ये PH और ये OH, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवाओ। ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है, और 2 डिग्री एल्कोहल का किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे आप K2Cr2O7 ले लो, KMnO4 ले लो, तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो बिल्कुल भैया ये कीटोन में चेंज होगा, और अपने पास जो है इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन बोलते हैं, एसिटोफिनोन बोलते हैं। तो ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल है। रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद CH3MgBr, देखो जी बेंजल्डिहाइड अपने पास क्या होता है भैया, ये अपना बेंजल्डिहाइड है COH, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी CH3MgBr के साथ, तो ये जो है वो अपना न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इसको जो है वो यहाँ अटैक करवाऊंगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो अपने पास जो है वो ओवरऑल यहाँ पर तो आ जाएगा O-MgBr और फिर यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये बनेगा। और अब इसका अगर आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया ना, तो यहाँ तो एल्कोहल बनेगा, इसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट इसने पूछा है वो बन सकता था, एक स्टेप अगर और जोड़ देता ना कि भैया इसका आपको ऑक्सीडेशन भी करवाना है, तो बिल्कुल इससे जो है वो एसिटोफिनोन बन सकता था, लेकिन हाल फिलहाल इस केस में जो है यहाँ से इससे जो एसिटोफिनोन है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपको बोल रहा है रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, याद करो कौन सी रिएक्शन है, तो भैया ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपको बोल रहा है बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, करवाते हैं, ये लो जी बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवा दो आप CH3CO और ये Cl से AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस, ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से क्या होगा अपने पास जो वो सबसे पहले ये लो, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन पर अटैक करेगा, तो डायरेक्टली मैकेनिज्म की बात तो मैं अभी करूंगा नहीं, COCH3, तो बिल्कुल भैया यहां पर भी अपने पास जो है जो प्रोडक्ट इससे पूछा है एसिटोफिनोन, ये बन सकता है। लास्ट डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेंजोएट, भैया कैल्शियम बेंजोएट का अगर आप क्या करवाओगे डिस्टिलेशन या ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हो, ये अपने पास कैल्शियम बेंजोएट होता है COO और ये CaO, और डिस्टिलेशन का मतलब है इसको आपको क्या करना भैया, स्ट्रॉन्ग हीट करना है, तो इस तरह के कंपाउंड को जब भी आप हीट करोगे तो हमारे पास यहाँ से जो है कैल्शियम कार्बोनेट अपन क्या करते हैं बाहर करते हैं, तो यहाँ से जो है वो एसिटोफिनोन ना बनकर यहाँ तो क्या बनेगा भैया, बेंजोफिनोन बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन, ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो कंपाउंड बनता है, तो इसमें केवल फर्स्ट और थर्ड में जो है वो प्रोडक्ट बन रहा, बाकी किसी में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपका सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आपको ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट आर करेक्टली रिटर्न, सही तरीके से प्रोडक्ट को लिखा गया है, तो सबसे पहला है भैया ये आपको एक एस्टर दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मतलब Li(AlH4) के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो एस्टर को जो है वो एल्कोहल में और बदल रखा है, तो भैया ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक तरीके से यहाँ से आपको क्या मिलेगा H-, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की अपन रिएक्शन एक तरीके से करवाते हैं, और जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उन सबको ये एल्कोहल में बदलने का काम करता है, तो ये जो है वो ठीक है, है ना। नेक्स्ट जो है वो आपको रिएक्शन ये दे रखा भैया सेपोनिफिकेशन का मतलब एक तरीके से हो गया बेसिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, और किसी भी एसिड डेरिवेटिव का बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल या फिर जिसमें भी अपने जिससे भी वो बना है, ठीक है ना, जैसे एस्टर है तो एस्टर से एल्कोहल प्लस एसिड बन जाएगा, ठीक है, एमाइड है तो एमाइड से जो है वो अपने पास क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगी और साथ में एसिड बन जाएगा, तो अब ये आपको क्या दे रखा है, ये एस्टर ही दे रखा है, तो इसका जब आप बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो एक तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है, और साथ में जो है वो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, क्योंकि बेसिक हाइड्रोलाइसिस अपन ने करवाया तो ये भी ठीक है। सेकंड जो है B2H6, देखो जरा B2H6 जो है वो ये क्या है, B2H6H2O रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये माइंडली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या करता है भैया ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप को जो है वो एल्कोहल में बदलने का काम करता है, लेकिन इससे एस्टर जो है वो चेंज नहीं होता, एस्टर का ये रिडक्शन नहीं करेगा, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेगा, तो इससे एल्कोहल बनेगा, बिल्कुल ठीक है। ये ग्रिगनार्ड आपको देर का ड्राई आइस का मतलब आपने CO2 के साथ रिएक्शन करवाई और फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया, मेरे ख्याल से रिएक्शन को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, RMgX
और ये लो जिस CO2 के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ टेक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर, तो अपने पास फर्स्ट स्टेप में जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पर O- है, ये MgX है और यहाँ पर R आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आपको क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, और इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा तो यहाँ से ये बाहर और अपने पास बनेगा भैया RCOH, यानी कि एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो ही इसने बना रखा है। आर जो है वो अपने पास क्या है, साइक्लोहेक्साइल, तो ये भी ठीक है, इसका मतलब जो है वो सारे ही इसमें मैच है, करेक्ट मैच कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन ठीक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सीधा सा है, एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज ली गई है, एनसीईआरटी से ही है। इफ सुक्रोज इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो भैया कार्बन ब्लैक बनता है। सुक्रोज को जब भी आप कंसंट्रेटेड H2SO4 का साथ ट्रीट करोगे तो एक तो बनता है कार्बन ब्लैक और साथ में जो है वो अपने पास क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये दो चीजें बनती है, तो कार्बन भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यह आपको क्या कह रहा है, अपने पास कंडीशन ऐसी है C2H5CH2I, रिएक्शन जो है वो सोडियम एजाइड के साथ आपको करवानी है। देखना, ध्यान से देखना कि ये हमारे पास कंडीशन है, ये CH2 और ये I, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा सोडियम एजाइड तो Na+ और N3- में ये ब्रेक होगा, स्ट्रक्चर जो है वो इसकी कुछ यूं हम बनाते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफिलिक टर्मिनल ये है, इस पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अपने पास जो है ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से आई माइनस क्या हो गया जी, बाहर, ठीक है। हमारे पास जो कंडीशन ऐसी आ गई है ये N डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो ये वाला इधर, अपने पास जो है इसमें ओवरऑल नाइट्रीन हम बनाते हैं, तो हमारे पास जो है वो ये बन गया है बेंजीन, ये CH2 और ये N, ठीक है, और ये लोन पेयर, और यहाँ से जो है वो नाइट्रोजन हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ओवरऑल नाइट्रीन ये बनेगा। अब इस कंपाउंड में जो है ना, अपने पास बेसिकली दो काम हो सकते हैं, इसमें होता है रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, और या तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इस कार्बन पर प्रेजेंट फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करे, माइग्रेटिंग टेंडेंसी क्या होती है, पहले फिनाइल, लास्ट में हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, ठीक है, फिनाइल, एल्काइल और हाइड्राइड। तो ये अपने पास जो है बेसिकली यहां पर ये एक तो ये बन सकता है CH2N और ये PH, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कुछ थोड़ा सा अमाउंट जो है वो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग वाला भी बनेगा, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ, तो अपने पास जो है वो एक पॉसिबिलिटी जो है ये भी बन सकती है CH और यहाँ डबल बॉन्ड और ये NH, तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है, ये दोनों कंपाउंड जो है वो इसमें संभव है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन अगर मैच करेगा तो वही अपना आंसर होगा। तो भैया इसमें देखना, एक तो ये वाला मैच कर रहा है तो ये हो गया, एक ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है तो एक ये हो गया, बाकी कोई भी जो है वो इसमें संभव नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, तो भैया कौन सा जो है वो इनमें से मेजर प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, देखते हैं। आपको अगर याद है तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, कौन सी रिएक्शन है भैया ये, ठीक है, देखो ये हमने जो है वो क्या किया, एक तरीके से ये हाइड्रोक्सिल एमीन, अपने पास ऑक्साइम है और ऑक्साइम जो है उसको H+ के साथ आपने ट्रीट कर रखा है, तो भैया ये बेकमैन्स रीअरेंजमेंट है। थोड़ा सा मैं अगर आप चाहो तो इसको मैं बता सकता हूँ, बेकमैन रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी ऑक्साइम होता है जैसे RC और ये R-, ये डबल बॉन्ड N और ये लोन पेयर और फिर ये OH, अगर आप इसको क्या करोगे H+ के साथ क्या करोगे, ट्रीट करोगे, ठीक है, तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट हमें करवाना है। ये अपना लोन पेयर इसको देगा तो RC और ये R, ये डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आ जाएगा OH और ये पॉजिटिव और ये अपना लोन पेयर, ठीक है, ऐसी कंडीशन आएगी। अब इसमें देखना, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर जाएगा, जैसे ये बाहर जाएगा तो यहाँ से OH का अपोजिट ग्रुप, ठीक है, OH का अपोजिट ग्रुप कौन सा है, ये वाला, ये जो है वो माइग्रेट करेगा किस पर, नाइट्रोजन पर, और ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ये इधर आएगा, तो हमारे पास जो है वो ऐसी कंडीशन आ जाएगी R-, ये C, ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आया और यहाँ पर क्या आ जाएगा R,
ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी R और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक बैक बॉन्डिंग वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन अपने पास बन रहा है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। नेक्स्ट केस में जो है वो अपने पास वाटर इसमें प्रेजेंट है क्योंकि अभी रिलीज हुआ था, तो वाटर जो है वापस से क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल बनकर, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी ROH और ये H यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ अपने पास आएगा भैया डबल बॉन्ड N और ये R, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा तो H प्लस बाहर, एक इंटरमीडिएट अपने पास बनेगा जी OH डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, ये अपने पास एक तरीके से इनॉल है तो टोटमराइज होगा ही होगा, कितना भी रोकने की कोशिश करो टोटमराइज तो होगा ये वाला इधर, तो अपने पास आएगा RCO और ये आ जाएगा NH और ये R, तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें जो बनता है ना वो एमाइड बनता है। ये जो है वो अपने पास R डैश है, R डैश को ना भूलना। एक चीज़ इसमें जो ध्यान में रखनी है कि OH के अपोजिट ग्रुप जो है ना वो माइग्रेट करता है, तो मैकेनिज्म सारी मैंने आपको बता दी, इसलिए बताइए क्योंकि ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है बेकमान्स रीअरेंजमेंट। तो इसमें देखना OH के अपोजिट ग्रुप कौन सा है, OH के अपोजिट ग्रुप जो है वो अपने पास अभी है CH3, तो इसमें जो माइग्रेशन होगा वो किसका होगा, OH के अपोजिट ग्रुप यानी CH3 का माइग्रेशन होगा। CH3 जो है वो नाइट्रोजन पर जाएगा, यानी जो भी कार्बोनिल ग्रुप है वो इस कार्बन पर आएगा। तो अगर ऐसा जो है वो आपको दे रखा है, बिल्कुल यही दे रखा है, तो इसका मतलब है ना फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड वाली रिएक्शन देखना ध्यान से, इसमें जो है वो क्या किया गया है। सेकंड वाली रिएक्शन एक अच्छा एग्जांपल है भैया इसमें 1-1 एलिमिनेशन का। ध्यान से देखिएगा कि CH3 आपको जो है वो यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड दिया है COC और ये PH और ये CL और ये H। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ऐसी रिएक्शन है। अब होगा क्या, बेसिकली अपने पास जो है वो pH और ये LI है। ठीक, ये जो है वो अपने पास जो है वो बॉन्ड टूटेगा, तो एक तो क्या बनेगा LI प्लस और एक बनेगा pH माइनस। pH माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या करेगा भैया, सबसे पहले आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन ही हम करवाते हैं, तो यहाँ से जो है ये H प्लस को बाहर लेके जाएगा, H प्लस को बाहर लेके जाएगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस पर चले जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे अपने पास कार्बन पर pH, ये डबल बॉन्ड C और ये जो है वो अपने पास ऐसी कंडीशन निकल के यहाँ से आएगी। क्लियर है बात। अब देखना कि नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पर, तो वही अभी जैसे अपन ने बेकमान्स रीअरेंजमेंट माइग्रेशन करवाया था वैसे ही, या तो pH का माइग्रेशन होगा या फिर टोलिल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। किसका माइग्रेशन होगा, तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनर का माइग्रेशन जल्दी होता है, पहले होता है, तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ये अपना टॉलिल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर माइग्रेट करेगा कहाँ, इस कार्बन पर, और यहाँ से जो है Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ओवरऑल अपने पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा ना भैया वो ये वाला बनेगा, यहाँ पर pH, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर अपने पास जो है वो ये वाला कंपाउंड बनेगा CH3। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट अपने पास बनेगा, यानी कि जो भी इसने दे रखा है ये बिल्कुल सही दे रखा है। थर्ड वाला जो है याद करो कौन सी रिएक्शन है, तो थर्ड वाली रिएक्शन अपने पास है भैया होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है वो इसको हटाओ और 1 डिग्री एमाइन बनाओ जो कि बना रखा है। यहाँ पर देखो करवाना तो होफमान ही चाहता था, लेकिन ये पहली बात तो एमाइड के साथ होती, कीटोन के साथ नहीं होती। NH2 जोड़ रखा है, नाइट्रोजन का यहाँ पर कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया कुछ पता नहीं है, तो ये तो किसी भी तरह से संभव नहीं है। तो तीसरा सही है, दूसरा सही है और पहला भी सही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपका सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो अगेन क्वेश्चन जो आया है वो फिजिकल का आया है, विनय सर को याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, तो भैया अरे तेरे को क्या दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल अगेन फिजिकल ओके, ये क्वेश्चन है भैया अपने पास, देखना जरा ध्यान से कि ये कंपाउंड आपको दिया है और इस कंपाउंड में आपको पूछा है कि बी के कुल प्रकाशित सक्रिय त्रिविम समावेवी है ना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ बी। ध्यान से देखना भैया, मेरे पास जो है वो जो कंपाउंड मेरे को दिया है, ये कंपाउंड है, इसका आपको क्या करवाना है, ओजोलाइसिस करवाना है O3, और रिडक्टिव ओजोलाइसिस करवाना है, यानी रिएक्शन जो है वो कहाँ रुकेगी, रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुकेगी। ठीक है, डायरेक्टली करवा देता हूँ, ये लो जी मैंने डायरेक्टली करवा दिया, आपको कोई दिक्कत हो तो आप मैकेनिज्म के साथ करवा लो। ठीक है, COH ये तो है अपना A, अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी किसके साथ,
हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ करवाता हूँ तो एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन अपन करवाते हैं। डायरेक्टली करवाऊँ तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालूंगा और यहाँ से जो है वो अपने पास क्या होगा, CH डबल बॉन्ड N, और ये कंपाउंड बनेगा या तो, या फिर ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, दोनों में क्या रिश्ता है भैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है दोनों का, तो ये रिश्ता जो है वो अपने पास GI का कहलाता है। दोनों एक दूसरे के क्या है, GI है, है ना। तो बिल्कुल आपको यही काम यहाँ पर करना है। ये कंपाउंड आपको दे रखा है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाऊंगा। मैं डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट बना रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन बता चुका हूँ। तो हमारे पास जो है वो ये प्रोडक्ट फाइनली बनेगा। अब देखना जरा, ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब आपको ये पूछा है कि इसके कितने ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, तो मैं निकाल रहा हूँ। देखना कि ये वाला कार्बन जो है वो कायरल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ये शूडो कायरल सेंटर है। तो कब होगा कि भैया अगर इधर वाला आप सिन ले लो, इधर वाला भी सिन ले लो, तब तो कायरल हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अगर इधर वाला आपने एंटी ले लिया, इधर वाला भी एंटी ले लिया, तब भी कायरल नहीं हुआ, तब भी ऑप्टिकली एक्टिव की बात हम नहीं करेंगे। अगर आपने एक को इधर वाला सिन ले लिया और इसको जो है वो एंटी ले लिया, तो ये या तो आर होगा, ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो लेकिन बात तो एक ही है। या फिर आपने क्या कर दिया, आपने जो इसको एस कर दिया, इधर वाला सिन ले लिया, इधर वाला एंटी होगा, तो भी जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो भैया इन दो केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी किसी भी केस में ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं होगा। तो केवल दो जो है ना वो इसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। नंबर ऑफ पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कंपाउंड एफ। ओ लो, एफ उतनी दूर दे रखा है, एक एक रिएक्शन आपको कंडक्ट करवानी पड़ेगी। सबसे पहले देखना जरा NBS क्या काम करता है। तो भैया NBS जो है वो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया भैया बेंजाइलिक कार्बन जो है ना, बेंजाइलिक कार्बन ये वाला, ठीक है, यहां पर जो है वो ये क्या करेगा भैया BR जोड़ने का काम करेगा। डायरेक्टली तो हम ऐसे ही करेंगे, ये लो जी NBS का काम। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन का काम करता है। तो एलिमिनेशन करेगा, 1-2 एलिमिनेशन करवा दो, एलो जी भैया मैंने एलिमिनेशन करवा दिया। तो अपने पास जो है ये तो बन गया जी A, ये बन गया जी B, फिर जो है वो HBr R2O2, HBr का एडिशन परोक्साइड की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिकोफ रूल याद करो। तो भैया HBr और यहां पर है अपने पास R2O2, तो एंटी मार्कोनिकोफ कहता है कि भैया इस बार BR आपको उधर जोड़ना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो BR जुड़ेगा बाहर की तरफ, ये बनेगा C। एक्वस KOH, तो भैया एक्वस KOH क्या करता है, ये एल्कोहल बनाने का काम करता है। BR को हटाओ, OH जोड़ो, एल्कोहल बनेगा, ये लो जी अपने पास यहां पर बना जी एल्कोहल, ये बन गया भैया अपने पास प्रोडक्ट डी, और ये वाला है अपने पास क्या सी। फिर जो हो PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट या पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, PCC PDC दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिएक्शन को कार्बोनिल कंपाउंड पर ही रोक देते हैं, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने देते। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ऐसी आ जाएगी, ये वाला जो है वो डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर जुड़ेगा क्या H, ठीक है, तो ये अपने पास बन गया जी E। अब आगे जो है ना इसका क्या करवाना भैया, भयंकर काम करवाना आपको, KOH के साथ इसको हीट करना है। देखो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो KOH या डाइल्यूट बेस के साथ जब हीट करवाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, एल्डोल रिएक्शन। तो इसको आपको एल्डोल में लेके जाना है। तो भैया देखो एल्डोल में करवा रहा हूँ, मेरे पास जो कंपाउंड था ना वो कुछ ऐसा था, यहाँ पर था CH2 और यहाँ था COH, तो एल्डोल में लेके जाऊंगा। तो एल्डोल में जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो CH2 और ये COH डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसके दो हाइड्रोजन ले लो, दोनों हाइड्रोजन इसके मैंने ले लिए, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अपने पास जो एल्डोल कंडेंसेशन भी आपको करवाना है, तो यहाँ पर आया CH, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा PH और ये CHO, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखो ये कंपाउंड जो है वो GI शो कर रहा है, GI शो कर रहा है, तो एक तो इसका बन जाएगा सिस, एक इसका बन जाएगा कौन सा ट्रांस, या तो सिस ट्रांस कर दो, या एक तो बन जाएगा E या एक हो जाएगा Z, ठीक है, सिस ट्रांस से ज्यादा EZ ज्यादा ठीक है, ठीक है ना। तो भैया अपने पास जो इसके भी कितने बनेंगे, दो GI जो है वो संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। तो ये आपको क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो भैया जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होगा
वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ठीक है, सोडियम के साथ ये वाला रिएक्शन करेगा, ये वाला नहीं रिएक्शन करेगा, ये वाला करेगा, ठीक है। तो दो ही कंपाउंड है जो सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, जो सॉल्ट है, तो ये तो हो गया दो, ठीक है। फिर जो है वो इसके बाद में नंबर ऑफ कंपाउंड रिएक्ट विद NaHSO3, भैया NaHSO3 के साथ आपको ये पता होना चाहिए केवल मिथाइलेटेड कीटोन जो है वो रिएक्शन करते हैं, है ना, और एल्डिहाइड तो करते ही करते हैं, मिथाइलेटेड कीटोन रिएक्शन करते हैं, उनमें से भी एसिटोफिनोन इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो भैया ये वाला जो है वो रिएक्शन कर जाएगा, ये वाला रिएक्शन नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो है वो रिएक्शन करेगा, ये वाला भी रिएक्शन जो है वो ये तो करेगा नहीं, और ये वाला जो है वो अपने पास रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो कितने हो गए, चार, दो यहाँ आ गए थे और चार यहाँ पर आ गए, तो कितने आ गए भैया, टोटल छः जो है ना वो अपने पास ऐसे हैं जो इनमें रिएक्शन करेंगे, यानी आंसर जो है वो अपना छः हो जाएगा, R+W=6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है भैया ये, हाउ मैनी ऑफ द गिवन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को आपको क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। NaNO2HCl, तो भैया ये प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करता है, जैसे मान लो ये प्राइमरी एमीन है, NaNO2HCl मिलकर HNO2 आपको देते हैं, तो भैया HNO2 ये अपने पास बनेगा, अपन बेसिकली इसमें क्या बनाते हैं भैया, एल्कोहल बनाते हैं जो कि कार्बोकेटाइन या पुनर्विन्यास करवा के बाद में करते हैं। 2° एमीन थोड़ी सी अलग तरीके से रिएक्शन करती है और 3° एमीन जो है वो यहाँ पर अलग तरीके से रिएक्शन करती है, जैसे ये अपने पास जो है वो 2° एमीन है, है ना, तो ये अलग तरीके से रिएक्शन यहाँ पर करेगी, यहाँ पर अपने पास जो OH और ये N शूडो नाइट्रोल टाइप का कुछ कंपाउंड बनेगा, H2O बाहर, ये यहाँ पर नाइट्रोसो NO ग्रुप लग जाएगा, तो दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रही है, इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये जो है वो अपने पास कौन सी है भैया, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, प्राइमरी एमीन देगी, सेकेंडरी एमीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, तो इससे भी कर सकते हैं। ये हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया अपने पास, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट, ये तो काम में लेते ही लेते हैं, ठीक है ना, तो तीनों जो है वो हम काम में ले सकते हैं। लिटमस पेपर का कोई मतलब नहीं है, दोनों की दोनों बेसिक होती है, H2SO4 दोनों की दोनों रिएक्शन करेगी, दोनों के पास ही एसिडिक हाइड्रोजन है, NaCl सॉल्ट है, दोनों ही रिएक्शन नहीं करेगी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो भैया अपने पास ओवरऑल जो है वो तीन इनमें से रिएजेंट ऐसे हैं जिनसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपको ये बोल रहा है हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H13 विच कैन गिव पॉजिटिव कार्बिल एमिन टेस्ट। तो भैया कार्बिल एमिन टेस्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि केवल और केवल प्राइमरी एमाइन जो है ना वो कार्बिल एमाइन टेस्ट देती है, ठीक है, और प्राइमरी एमाइन जो है वो इससे कितनी प्राइमरी एमाइन बनेगी C5H13N से, ये आपसे पूछा है, तो इससे बेसिकली जो है वो RNH2, इसमें से एक काम करो आप NH2 ग्रुप को अलग कर लो, NH2 अलग करूंगा तो C5H11NH2, ये लो जी, अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो आपको याद होना चाहिए इससे जो है वो हम टोटल 8 रेडिकल बनाते हैं, तो 8 तरीके की भी प्राइमरी एमाइन जो है वो हम बना सकते हैं और वो सारी की सारी पॉजिटिव कार्बिल एमिन टेस्ट देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो भैया ये अपने पास है बाईथायोनल, तो बाईथायोनल इज ए एंटीसेप्टिक ड्रग, बिल्कुल भैया, कि बाईथायोनल काम में क्या आता है, तो आँखों के लिए जो अपन डालते हैं बाईथायोनल, आँखों के लिए जो भी साबुन वगैरह अपन बनाते हैं, साबुन में पूतिरोधी गुण डालने के लिए, आँखों के लिए तो बोरिक एसिड काम में आता है ना, तो उसमें जो है वो हम बाईथायोनल काम में लेते हैं साबुन में, जैसे लाइबॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, ठीक है ना, हमारे 99.99% कीटाणु, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ भैया। तो देखो बाईथायोनल एक पूतिरोधी औषधि है, स्ट्रक्चर भैया इसकी आपको याद रखनी ही पड़ेगी, जो है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है, ये अपने पास OH, ये Cl और ये Cl, तो इसमें ओवरऑल जो है वो कितने क्लोरीन होते हैं, 4 क्लोरीन परमाणु अपने पास उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अपने पास है भैया, ओके पूरा हो गया है, तो भैया उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपने अच्छा किया होगा, ये अपना DCM का टेस्ट पेपर था, कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन शायद आपका दूर हो गया होगा, फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप भेजें, आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।